नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके घटम चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजने चलिए आज की संभाषा का प्रारंभ करने के लिए यहाँ पर वैद्य अरविंद पाठक जी आ चुके हैं। हम अभी थोड़ा समय से पूर्व हैं, तो भाई जी आप अपना स्क्रीन शेयर करके आप संभाषा प्रारंभ कर सकते हैं। अभी समय है वैसे 2 मिनट का। जी बहुत बढ़िया, तो हम स्पॉटलाइट कर देते हैं और आपको हम होस्ट बना देते हैं सेशन का। होस्ट, अब आप होस्ट हैं सेशन के। जी प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। आज मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, कृपया मुझे माफ करेगा, क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा खराब चेहरा आप लोगों के पास है। तो ना मैं अभी आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए आया हूँ, त्वचा रोगों में नस्य। ये एक सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ना त्वचा रोगों में नस्य का क्या रोल रहता है, क्या फंक्शन रहता है, इस पर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है यह जानना बहुत जरूरी है। तो पंचकर्म में जो नस्य कर्म है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, और शोधन कर्म का विचार कर दिया जाए ना, तो जहां पर भी दोषों के जगह पे स्थान वैगुण्य ऐसा है, तो वहां पर हमें नस्य का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। एक मिनट में थोड़ा म्यूट करता हूँ सब लोगों को, क्योंकि ना बीच में घर की आवाज आ रही है बहुत सारे लोगों को, तो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, अब नस्य के बारे में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 20वां चैप्टर में ऐसा बताया, 4वां नंबर का श्लोक, ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु विशेषा नस्यम इष्यते नासा ही शिरसो द्वारम ये न तद व्यापिन्यु हंति तान। मतलब ऐसा बताया है कि ऊर्ध्व जत्रु जितने भी विकार हैं उन सभी में विशेष रूप से नस्य जो रहता है वह सबसे श्रेष्ठ रहता है, नस्य चिकित्सा को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताई है। नासा ही शिरसो द्वारम, नासा जो रहता है वह सिर का द्वार रहता है, और जो भी शिरसो द्वारम तेन तद व्याप्यु हंति तान, जो अगर हम नस्य के रूप में मेडिसिन डालते हैं सिर में तो पूरी जगह व्याप्त हो जाता है और सारे रोगों को नष्ट कर देता है, हंति तान नष्ट कर देता है। फिर उसके बाद में सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में 40 चैप्टर में 21 नंबर का श्लोक बताया है कि औषधम औषधम औषध सिद्धो वा नस्य स्नेहो नासिकाभ्याम दियत इति नस्यम। जो औषध हम सिद्ध करके या तो सिद्ध रूप में देते हैं या डायरेक्ट औषध के रूप में देते हैं, जो नासिका से दिया जाता है, जो भी स्नेह दिया जाता है या नॉर्मल क्वाथ दिया जाता है या फिर स्वरस दिया जाता है, तो जो नाक के द्वारा दिया जाता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग नाक रहता है, उसको वह प्रक्रिया को नस्य बोला जाता है। इसी को सुश्रुत जी ने ऐसा बताया है कि नाक से औषधि डालने को जो उपक्रम रहते हैं उसको नस्योपक्रम बोलते हैं। नस्य में शिरो विरेचन
ऐसा भी उसका पर्याय नाम है, सिनोनिम है, नस्त प्रच्छर्दन ऐसा भी बोलते हैं, नस्त कर्म बोलते हैं, नावन बोलते हैं, ये सब पर्याय नाम है। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो त्वचा विकारों में जिस तरह से वमन विरेचन बस्ति का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, उसी तरह से ऊर्ध्व जत्रु भाग में अगर त्वचा रोग है जैसे स्काल्प सोरियसिस है या कोई कुष्ठ है, किटित कुष्ठ है, कर्दम कुष्ठ है, पामा है, शुद्र कुष्ठ है, तो वह सब में नस्य का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है और उसका प्रयोग करना ही चाहिए हमें। अब नस्य के उपयोगिता के बारे में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 20/39 नंबर के श्लोक में बताया है कि घनोन्नत प्रसन्न स्कंद रिवास्य वक्षस धृणेन्द्रियास्त फलिता भवेन्नस्युशीलिना, मतलब नस्य देने से शोल्डर्स जो रहते कंधे रहते हैं उनको ताकत मिलती है, ग्रीवा को ताकत मिलती है, उरस्थान को ताकत मिलती है, सिर को ताकत मिलती है, मतलब हेड रीजन में सभी को ताकत मिलती है, वो बलवान होते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। उसी तरह से इन्होंने बोला है त्वक, त्वचा भी प्रसन्न हो जाती है अगर नस्य दिया ना, तो उसका इफेक्ट पूरे बॉडी के स्किन पे होता है और इसी से अकाल में जो ये बाल झड़ना है या बाल सफेद होना है वह सब भी खलित पलित में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वंगसेन जो आचार्य थे उन्होंने नस्य रोगाधिकार नस्य अधिकार में बताया है हंधनु दंत शिरो ग्रीवा त्रिक बाहु रसाद बलम वली पलित खालित्य व्यंगा नाम चाप्य संभव, मतलब उन्होंने वंगसेन जी ने चरक ने तो बताया, चरकाचार्य जी ने बताया, सुश्रुताचार्य जी ने बताया, आचार्य वाग्भट जी ने बताया, उसी तरह से वंगसेन जी हैं वो बोलते हैं कि वली में पलित में और खालित्य में इन सब में तो फायदा करता ही है, लेकिन व्यंग में जैसे चेहरे पे व्यंग हो गया मतलब एक्ने हो गया, ऐसे स्किन डिसऑर्डर्स में नस्य की बहुत ज्यादा उपयोगिता रहती है और वंगसेन जी ने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। आगे मैं और बताऊंगा, इसमें और बता रहे हैं कि नस्य के प्रकार अनुसार ये टाइप रहते हैं कि शमन नस्य, विरेचन नस्य, प्रतिमर्श नस्य, और इनके फलश्रुति में त्वचा विकारों में नस्य का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब पहला आता है शमन नस्य, शमन नस्य में ऐसा बता रहे हैं कि शमन शमनम काल वलित पलित खलित दारुण रक्त राजी व्यंग नीलिका रक्त पित्तादिशु अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 29/8 में बताया है, और दूसरा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में बताया है कि शमनम नीलिका व्यंग केश रोगा दोषाशी राजिशु, मतलब नस्य जब देते हैं ना तो नीलिका व्यंग केश दोष आंखों का लाल होना ये रोगों में बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोगों ने देखा होगा रेटिनल डिटैचमेंट का एक पेशेंट है उसको एक आंख से 100% दिखाई देने लगा और दूसरा में चश्मा लगाए, उसको थोड़ा टाइम लेगा लेकिन रेटिना का जो भी बीमारी है आंखों की जो भी बीमारी है सब में नस्य कंजक्टिवाइटिस में भी हर बीमारी में आंखों की बीमारी में बहुत अच्छा फायदा होता है। नस्य देने से चश्मा भी उतरता है और ऐसा बोल रहे हैं कि तेल से दूध से सिद्ध जल से शमन नस्य का प्रयोग किया जाता है। जहां पर विरेचन नस्य देना निषिद्ध होता है मतलब शिरो विरेचन निषिद्ध होता है वहां पर हमें शमन नस्य देना पड़ता है। उसी तरह से विरेचन नस्य के बारे में बताया है विरेचनम शूल शिर शूल जाडे अस्यंदन गलामय शोफ गंड कृमि ग्रंथि कुष्ठापस्मार पीनसे, ये चक्रदत्त जो है चक्रपाणी दत्त जी ने किताब लिखा है जिस पुस्तक का नाम है चक्रदत्त, इन्होंने नस्य रोगाधिकार में अष्टांग हृदय के सूत्र का रेफरेंस लेके लिखा है कि विरेचन नस्य जो रहता है उससे शिर प्रदेश का दोष उत्क्लेशित होकर दोष जो पास के मार्ग रहते हैं बहिर्मुख स्रोत मतलब नाक नासिका वहां से बाहर निकले जाते हैं और विरेचन नस्य कफ प्रदान शिरो रोग में बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। कुष्ठ जैसे बहुत बड़े जो बड़ी बड़ी बीमारियां रहती हैं कुष्ठ में बहुत ज्यादा दोष विकृत रहते हैं वहां पर भी शोधन करने वाला विरेचन नस्य बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसके बाद में आता है प्रतिमर्श नस्य, प्रतिमर्श नस्य के बारे में वंगसेन जी ने नस्य अधिकार में बताया है क्षीणेश तृष्णास्य शोषार्थे बाले वृद्धे च युज्यते वली पलित खालित्य व्यंगा नाम चाप्य संभव, मतलब मर्श नस्य की अपेक्षा मात्रा में कम प्रमाण में मतलब दो दो ड्रॉप में अगर हम लोग नस्य देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिमर्श नस्य, जो प्रतिदिन दिया जा सकता है उसको बोलते हैं प्रतिमर्श नस्य और यह नित्य दिए जाने वाला नस्य है। ग्रंथ में अलग अलग त्वचा विकारों में अलग अलग नस्य बताए हैं। अभी मेरा जो सब्जेक्ट है वो त्वचा विकारों में नस्य की उपयोगिता, तो कुष्ठ रोग में जिस तरह से वमन विरेचन फिर उसके बाद में रक्त मोक्षण नस्य इन सब का बहुत ज्यादा महत्व रहता है उसी तरह से नस्य का भी उपयोग रहता है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान में जो कुष्ठ रोग का चिकित्सा है 9th chapter 43 number श्लोक उसमें बताया कि प्रच्छा कुष्ठ रोग में बता रहे पक्षात पक्षात छर्दनान्ना उभ्योन उभ्योपे उभुपेयान मासान मासा संस्रम चापी देयम
त्राव्यम रक्ते वत्रे ही द्विरल्पम नस्यम दद्यास त्रिरात्र। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि नस्य जो रहता है कुष्ठ में हर 7-7 दिन पे करना चाहिए। यहाँ सुश्रुत में तो 3-3 दिन पे बोला है कि 3-3 दिन पे नस्य देना चाहिए कुष्ठ रोगों में, और रस रत्न समुच्चय में 7-7 दिन का बताया है। भेषज रत्नावली में 3-3 महीने का कंटिन्यू नस्य देने के लिए भेषज रत्नावली में बताया है। सुश्रुत संहिता में कुष्ठ व्याधि में तुवरक तेल जो रहता है 4 मोगरा तेल तुवरक तेल उसका 50 डेज तक नस्य करने के लिए बताया है, और ये इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और चरक संहिता में सैंदवम दंती मरीचम पड़िंजगा पिपली करंज फलम नस्यम स्यात् सविडंगम कृमि कुष्ठ कफ प्रकोपग्नम वैरैचिनिके धुमे श्लोक स्थाने हृदय प्रशाम्यंती कृमि कुष्ठाखिलासा प्रयोजिते ऋतमांग्रस्ता। मतलब चरक संहिता में बताया है कि सेंधा नमक से, दंती से, मरीच से, पड़िंजक से, पिपली से, करंज फल से नस्य देने से कृमि रोग ठीक होते हैं, कफ ठीक होता है, कुष्ठ रोग ठीक होता है, विरेचनिक धूम भी देने के लिए बोला है नस्य के बाद। ग्रंथि विसर्प में धूम नस्य का वर्णन किया गया है, और अपीड़क नस्य का सुश्रुताचार्य जी ने वर्णन किया है। तो व्यंग में बताया है कि अलग अलग जब चेहरे पे दाग पड़ जाता है, एक्ने हो जाता है, तो वात के साथ पित्त प्रकोपित हो जाता है और मुख प्रदेश में वेदना रहित काला काला रंग का विवर्णता आ जाता है, तब नस्य का उपयोग बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में कुमकुम आदि तेल का नस्य बताया है, और इसी के साथ में अष्टांग हृदय में मंजिष्ठादि तेल का नस्य भी बताया है। तो इससे एक्ने जो रहता है, हम लोग दे रहे हैं कि कुमकुम आदि तेल या उसको तो चेहरे पे लगाने के लिए, लेकिन यहाँ नस्य देने से फायदा होता है और मंजिष्ठादि तेल। इसी तरह से पलित है जो अचानक ग्रेइंग ऑफ हेयर से के सफेद हो रहे, बाल सफेद हो रहे, तो भाव प्रकाश निघंटु में बताया है कि विभीतकी, नीम, गंभारी, शिवा, शेलु, काकनी ये 11 टाइप के द्रव्य से सिद्ध किया हुआ जो तेल है उसका नस्य देने से जो ग्रेइंग ऑफ हेयर से वह ठीक हो जाता है। आप लोग अगर बाल सफेद होने पे इलाज करना चाहते हैं तो भाव प्रकाश निघंटु का आप लोग देखिए, वहां पे अच्छा सा रेफरेंस दिया हुआ है। इसी तरह से चरक संहिता में विभीतकादि तेल, त्रिफलादि तेल, सहचरादि तेल, महानील तेल, प्रपौंडरिक तेल, भृंगराज तेल, इनका नस्य देने से बोला है कि बाल सफेद होना और बाल गिरना, लेकिन ये कंटिन्यू देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 7 दिन दे दिया बंद कर दिया। कंटिन्यू अगर देंगे तो बाल सफेद है वो काले हो जाते हैं, ऐसा चरक संहिता में बताया है। कंटिन्यू 1 साल तक देना चाहिए, तब बालों में असर दिखेगा। इसी तरह से भेषज रत्नावली में पलित और पलित व्याधि जो रहे जिसमें बाल सफेद हो रहे उसमें नीम तेल और भृंगराज तेल का या भृंगराज घृत का उपयोग बताया है, जो बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से मुख दूषिका रहती है, पिंपल्स आ रहते हैं, तो शिरोविरेचन नस्य का वर्णन है। जो बाल सफेद होते हैं उसमें यष्टि मधु तेल, त्रिफलादि तेल, ऐसा अष्टांग हृदयकार ने बताया है। उसी तरह से अलग अलग त्वचा विकारों में अणु तेल का वर्णन चरक सूत्र स्थान में बताया है। कनक तेल का व्यंग और नीलिका मुखदूषिका में भेषज रत्नावली में बताया, चंदन आदि तेल का विसर्प में बताया, सहस्त्र योगम नाम की किताब में चंदन आदि तेल का विसर्प रूप में। वृहत मरीची आदि तेल का उपयोग कुष्ठ में, पामा में, विचर्चिका में, दद्रु में, कंडू में, विस्फोटक में, भेषज रत्नावली में वृहत मरीची आदि तेल का प्रयोग होता है। तो नाशा ही शिरसो द्वारम, जब बताया कि नाक ही सिर का द्वार है, तो नस्य के प्रयोग से ऊर्ध्व चतुर्गत रोग शांत हो जाते हैं, इंद्रियां निर्मल हो जाती है, हनु में, दंत में, सिर में, ग्रीवा में, बाहु, बक्ष सब बलवान हो जाते हैं। बलि, पलित, खालित्य, व्यंग, त्वचा विकार, ये एक कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी प्रयोग किया जाए तो नस्य का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। नस्य का पूर्वकर्म में स्नेहन स्वेदन करना जरूरी होता है। स्नेहन और स्वेदन से सूक्ष्म पेशी तक वह स्नेह जाकर दोषों का शमन करता है और मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट को नींद नहीं आती है, इनसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, उनको शीरबला तेल जैसे शमन नस्य, शीरबला, शुद्ध बला, चंदन बला, लक्षादि तेल, इनका नस्य देने से नींद अच्छी आती है, मन शांत हो जाता है, बुरे बुरे जो सपने आते हैं वह भी ठीक हो जाते हैं क्योंकि वायु का शमन हो जाता है। इसी तरह से नस्य के द्रव्य जितने भी आप देखेंगे, कुंकुमादि तेल, अणु तेल, चंदनादि तेल, ये सब में वर्ण दवाइयां हैं, त्वचा दवाइयां हैं जो त्वचा को उपयोगी रहती है, तो इसलिए त्वचा विकारों में उपशय दिखता है। और नाशा ही शिरसो द्वारम, नाक ही सिर का द्वार है, जब हम सिर पे कोई भी दवाई देंगे तो प्राणवायु का कार्य होगा, प्राणवायु क्या करेगा कि पूरे शरीर में, इंद्रियों पे, सब जगह उसका काम होता है, तो भ्राजक पित्त पे भी इनडायरेक्ट वे में व्यान वायु और प्राण वायु का कार्य इनडायरेक्ट वे में होगा, तो भ्राजक भी अच्छा होगा, तो चेहरा अच्छा हो जाता है। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं और आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं।
आज मेरा मैंने छुट्टी लिया था क्योंकि मेरा तबियत ठीक नहीं था, लेकिन आज मैंने पूरा ये कंपाइल किया पूरा नस्य, कि आज मैं संभाषा में ये नस्य और त्वचा विकार पे कुछ तो बोलूंगा। एक बार अनम्यूट करिए कृपया सब लोग। थैंक यू सर। सरोज मिश्रा जी का प्रश्न है कि धन्वंतर तेल का नस्य दे सकते हैं क्या? सर दे तो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा तीखा लगता है, कटु रसात्मक रहता है। उसको देने से, धन्वंतर तेल का नस्य देने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में मुझे तो बहुत अच्छा फायदा हुआ है। मैंने महाविषगर्भ तेल का भी नस्य दिया, लेकिन बहुत ज्यादा तीक्ष्ण रहता है, पेशेंट ऐसे चिल्लाता है, इतना ज्यादा मतलब जलन होती है। जी वैद्य सरोज मिश्रा जी, आप कृपया अपना ये स्टोरी बताइए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में दिया था तो क्या केस था? वैद्य सरोज मिश्रा जी आपका स्वागत है। सर प्रणाम। आप प्रणाम बताइए। आज एक पेशेंट मेरा पहले का था जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो उसको त्रयोदशांग गुग्गल और संजीवनी वटी वगैरह, अजमोदा आदि चूर्ण, गोदंती, एकांग वीर वगैरह, मैंने मोती पिष्टी भी साथ में डाली हुई थी और अश्वगंधा और शिलाजीत भी दिया हुआ था, और उसके बावजूद भी मर्म पॉइंट भी स्टिमुलेट किए थे, उसके बावजूद भी वो आज आई तो उसको वो कह रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा। तो मेरे पास धन्वंतरी तेल पड़ा हुआ था गवर्नमेंट सप्लाई में, तो मैंने सोचा कि और कुछ तो है नहीं, तो जरा मैं देखता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करके धन्वंतरी तेल का नस्य दिया मैंने, करीब 10-10 ड्रॉप्स दोनों नॉस्ट्रिल्स में, और इसके अलावा लघु सूत शेखर रस पाउडर करके मैंने दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाला, तो उससे उसको रिलीफ आया। इसलिए मैंने, अच्छा उसके कंटेंट्स भी मैंने देखे धन्वंतरी तेल के, तो कुछ मुझे इस तरीके के कंटेंट्स कोई लगे नहीं जो इरिटेटिंग इरिटेंट इफेक्ट नेजल म्यूकोसा पे शो कर रहे हों, तो इस वजह से मैंने उसमें ट्राई भी किया। तभी मैंने आपसे पूछा क्या जो मैंने किया वो सही था कि गलत था। आपने जो किया सही किया सर, धन्वंतर तेल का कंटेंट देखेंगे तो उसमें दशमूल है, बला है, तो ये दशमूल है, बहुत अच्छा दवाई है, बहुत अच्छा, मैंने यूज किया है, मैंने 10 साल धन्वंतर तेल से नस्य दिया है, बहुत अच्छा दवाई है। मैंने धन्वंतर कुजंबू भी यूज किया है, इसमें 2-3 मतलब घी भी रहता है, तेल भी रहता है, उससे भी फायदा होता है। आपने सही किया सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वो डालने के बाद पेशेंट ये बोले ना कि जलन हो रही है नाक में? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। हाँ वो कुछ भी नहीं बोला, और ये मुझे भी यही लग रहा था कि कहीं इरिटेंट इफेक्ट शो करेगा तो प्रॉब्लम आएगी। जब उसने इरिटेंट इफेक्ट पहले 2-2 ड्रॉप्स डाल के देखा, इरिटेंट इफेक्ट जब उसने नहीं बताया, तो मैंने 10-10 ड्रॉप्स दोनों नॉस्टल्स में डाल के, और उसका जो हेड था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया ताकि मुंह में ना आके वो ब्रेन में जाए ऑयल, ताकि मज्जा धातु को थोड़ा सा। आपको, आपके पेशेंट को आपने 10-10 ड्रॉप डाला इसलिए नहीं हुआ, मैं 15 ml डालता हूँ ना, इसलिए मेरे पेशेंट को तकलीफ हुआ था, ये बात है। अच्छा। सर प्रणाम, गवर्नमेंट सप्लाई की एफिकेसी भी थोड़ी कम ही होती है सर। पता नहीं, मैं उसपे कमेंट नहीं करूंगा, मुझे नहीं मालूम। अब सर मुझे तो खैर अब जैसा भी है, इफेक्ट तो गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयों से भी मिल रहे हैं, तो नहीं सर मिलते हैं, लेकिन वो एफिकेसी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलते हैं, 19-20 का अंतर जरूर होता है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होता, ये भी नहीं कह सकते। मैं ये कहाँ कर रहा हूँ सर, होता है लेकिन थोड़ी एफिकेसी कम होती है। जी 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 ठीक है, आपके पेशेंट ठीक होने चाहिए, कोई भी दवाई हो ठीक होना चाहिए पेशेंट, हमारा ये उद्देश्य रहना चाहिए। जी और सर आपने नस्य दिया तो इसको कंटिन्यू कितना दिन करेंगे आप? नस्य को उसको मैंने एक 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 वायल दे दी मैंने धन्वंतरी तेल की, अब वो डेली ही करेगी प्रतिमर्श नस्य, मैंने उसको डेली रिकमेंड कर दिया 3 दिन के लिए फिलहाल, तो 3 दिन के बाद फिर से बुलाया है जी। तो उसका रिजल्ट पूछूंगा मैं क्या रहा जी। बहुत बढ़िया जी, बताइएगा जी जी जी। और अगर अच्छा इंटेंशन से दे रहे हैं ना तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। नहीं सर्वाइकल के केसेस में और ये लंबर वगैरह के केसेस में मुझे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं जी, बहुत बढ़िया। मैं मर्म वगैरह भी करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। मर्म तो आपने सर से सीखा होगा ना, डॉक्टर नवीन जोशी सर, नवीन जोशी बॉस है, और वो सुनील जोशी सर भी हमारे गुरु जी ही है। अच्छा, वो उनसे भी बीच बीच में बात हो जाती है मेरी। हाँ जी बहुत बढ़िया। और बताइए किसी का कुछ अनुभव?
और तो सर कई सारे केसेस आते रहते हैं। एक कल केस आया था, बहुत अच्छा केस आया था, वो एलोपैथिक वालों ने मेरे पास रिफर किया था। जी तो एलोपैथिक वालों को जैसे बहुत सारे केसेस में लगता है कि ये जब कोई डायग्नोसिस नहीं निकल रही होती है तो वो हिस्टीरिया की तरफ चले जाते हैं कि ये हिस्टीरिक है, उठा के मेरे पास भेज जी देते हैं। तो जब जी मेरे पास ये केस आया तो उसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए मैंने उससे सुनना शुरू किया कि क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले उसने ये बोला कि जब मुझसे कोई तेज आवाज में बोलता है तो जी मुझे बड़ी घबराहट होती है, बहुत डर सा लगता है। तो तुरंत जी मुझे दिमाग में क्लिक किया, कहीं ना कहीं रस क्षय हो रहा है ना। जी तो अच्छा, जी उसके बाद अगली चीज उसने जो बोली कि मुझे माहवारी के दौरान रेसे रेसे से आते हैं, क्लॉट क्लॉट से आते हैं, जी हल्का हल्का सा फीवर बना हुआ रहता है। ठीक है, जी मैंने एक आपका लेक्चर सुना था सप्त धातु जी विकृति में रस धातु का, तो जी मैंने नोट भी कर रखा है अपने पास, सारे पॉइंट्स नोट कर रखे हैं कि जी जहां कहीं भी रस धातु की विकृति होगी वहां पे रस का मल होता है कफ, तो कफ की दुष्टि अवश्य होगी, है ना। तो जी मैंने उससे संप्राप्ति बनानी शुरू करी, अगर जो रस धातु की रसवाही स्रोतस की विकृति है तो रसवाही स्रोतस का मूल स्थान हुआ हृदय, और जहां जी पे रस क्षय हुआ है वहां पे हार्ट पे इम्पैक्ट तो जरूर ही डालेगा। तो इसकी वजह से उसको जो भी दिक्कत हो रही थी, डर वगैरह लग जी रहा था, वो उस वजह से लग रहा था। जी तो रस धातु का क्षय निकाला, उसका हल्का सा फीवर, उसको नींद ज्यादा आती है, घबराहट ज्यादा रहती है। अच्छा, फिर ये माहवारी में उसको क्लॉट्स वगैरह रेसे वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, जी अब उसने, अब मेरी तो डायग्नोसिस बन गई आयुर्वेद के हिसाब से रस क्षय की। ठीक है, जी अब मुझे बड़ी जी खुशी मिली कि भाई आपका जो लेक्चर सुनने से मुझे इतना इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस और एलोपैथ वालों ने चैलेंजिंग केस समझ के मेरे पास भेजा, और उनको जो समझ में नहीं आया मैंने तुरंत क्लिक कर दिया। ऐसी स्थिति में मुझे आपका वो लेक्चर भी याद आया कि रस पाचक चिकित्सा करनी चाहिए। रस पाचक जी चिकित्सा में क्या क्या देना चाहिए, उसमें एक तो पटोल पत्र इंद्रियो, इंद्रियो मतलब कुटज, है ना, पटोल हाँ पत्र इंद्रियो और कुटकी। अब हमारे पास तो यहाँ पे परवल होता नहीं पहाड़ में, पटोल पत्र जी लाऊं कहाँ से। ठीक है, जी दिमाग से निकाल दिया कुटकी। कुटकी के लिए मैंने सोचा क्या करूं, आरोग्यवर्धिनी वटी डाल दी या उसमें कुटकी होती है, कुटज कहाँ से लाऊं, कुटजारिस डाल दिया, उसमें ये होता है। ठीक है, अब आपका लेक्चर था रस पाचक चिकित्सा के साथ में ताप्यादि लौह। ठीक है, ताप्यादि जी लौह भी हमारे यहाँ सप्लाई में नहीं है, तो अब युक्ति लगाई क्या करूं भाई। तो जी उसको ब्लीडिंग भी कमी होती है। अच्छा, ऐसे केसेस में जो रसवाही स्रोतस की दुष्टि होती है, जी रसवाही स्रोतस की वृद्धि में भी एनीमिया हो जाया करती है, रसवाही स्रोतस की दुष्टि में एनीमिया हो जाती है, तो ऐसे जी केसेस में मैंने एनीमिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा उसको ट्रीट किया। एक रस क्षय की स्थिति में पहले रसवाही स्रोतस की दुष्टि को ठीक करने के बाद उसको रस पान भी कराने का इंडिकेशन है। जैसे इस केस में अगर जो हम रस पाचन भी कर दें और रस पान भी करा दें, तो ऐसे में मुझे अनार का रस बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो उसमें वो भी मैंने रिकमेंड किया उसको। जी तो ये केस मैंने 3 दिन के बाद बुलाया है, कल आया था मेरे पास, तो मुझे उम्मीद पूरी है कि मैं इसमें सफलता प्राप्त करूंगा। हाँ, आपने वो कुटजा रिष्ट दिया है ना, जी हाँ, जी तो हाँ, उसमें जो व्हाइट व्हाइट ऐसे डिस्चार्ज हो रहे हैं वो भी कुटजा रिष्ट अकेले वो दवाई भी ठीक कर सकता है लेकिन नहीं, और भी बिना। दवाइयाँ दी हैं सर, और भी दवाइयाँ दी हैं। कुटजा रिष्ट के साथ में मैंने अशोका रिष्ट भी डाला है। ठीक है, हाँ, अच्छा, आपका एक युक्ति मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया किया आपने। एक रज प्रवर्तनी वटी जो है, रज प्रवर्तनी वटी, शायद उसका ओलिगोमिनोरिया की जी कंडीशन को सोच के मैंने रज प्रवर्तनी वटी भी डाल दिया था, आरोग्यवर्धिनी वटी लेकिन कुटकी। रजा प्रवर्तनी वटी ज्यादा दिन मत दीजिएगा क्योंकि उसमें क्षार होते हैं, तो उससे जी बॉडी को जी रुक्षता होगा, पित्त पड़ेगा, क्षार होता है, अच्छा, हाँ, वो तो थोड़े दिन देने वाली दवाई है। मैं कुछ दिन उसको दे के जरा ब्लीडिंग वगैरह, ये रस पाचन वगैरह हो जाए इसका,
अच्छा उसको सरदर्द भी रहता था, तो उसमें युक्ति लगा के जो उससे संबंधित मेडिसिन नस्य वगैरह भी दिया उसको, तो ये मुझे उम्मीद है कि मैं इस केस में विजय प्राप्त तो आप कृपया जरूर बताइएगा हमें आपका युक्ति से क्या फायदा हुआ। करूंगा रस 6 का तो मुख्य लक्षण भी अशब्द सहिष्णुता, बर्दाश्त नहीं कर पाता है पेशेंट। हाँ, क्योंकि उसका मूल जी स्थान हृदय है ना, मूल स्थान हृदय है, तो ब्रेडिकार्डिया वगैरह भी हो जाया करता है रस 6 की स्थिति में। तो रस 6 में हमको रस वाही स्रोतस को शुद्ध करने के बाद रस चिकित्सा ही करनी है, रस देना है। और ताप्यादि लो तो रस और रक्त का प्रसादन करता ही है। आपने बहुत बढ़िया किया। ताप्यादि लो है ही नहीं सर हमारे पास, अब हमने उसमें आपने कहा ना ताप्यादि लोह दिया आपने। नहीं आपने बताया था ना ताप्यादि लोह देना है, तो अब मैं दिमाग हाँ में लगा रहा था सिंस ताप्यादि लोह इज नॉट अवेलेबल टू मी, तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ। रज प्रवर्तनी बटी के कंटेंट में भी मैंने देखा कि क्या इसमें ताप्यादि लोह है, तो शायद मुझे उसमें दिखा, तो इस वजह से मैंने उसमें रज प्रवर्तनी बटी डाला। सर नमस्कार, मनोज अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर। सर आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया और आपकी सोच बहुत सही कारगर है, जी सर। और आपने आरोग्यवर्धिनी दिया है ना सर, वो सारा मैनेज हो जी जाएगा सर। जी 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 दिया है सर। आपको तापादी लौ अगर नहीं भी देते ना, तो आरोग्यवर्धिनी में लौ रहता है, शिलाजीत रहता है, आम जी पाचन की भी दवा है, और जी रस रक्त प्रसादन की भी दवा है, रसायन भी है सर। तो और ये आपको खुशी कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा सर, चिंता का विषय नहीं है। सर, खुशी इस और बात रजा की है। प्रवर्तनी बड़ी मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं बैठता सर। और मेरे हिसाब से मतलब मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि ताप्यादि लौह और रजा प्रवर्तनी बट्टी के उसके कंटेंट कुछ उधर से है, तो उधर निकाल के क्षार युक्त रजा प्रवर्तनी बट्टी देना ये मुझे सही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि ताप्यादि लौह अलग है। मतलब सर एक बात सर उसमें रजा यहाँ बोलना प्रवर्तनी बट्टी में काशीष टंकण है ना उसमें, तो वो कितना ज्यादा क्षार है, वो ये क्षारीय एलोवेरा की चीज है। भावना है उसमें। सर रस नहीं का तो क्षय कर देगा रजा प्रवर्तनी, तो रजा प्रवर्तनी वटी अगले अगले वो कट कर उसके दीजिए, बाकी सब सही है, लेकिन रजा प्रवर्तनी वटी मत दीजिए, क्योंकि हाँ रजा उसमें प्रवर्तनी साइड हटा इफेक्ट दो होगा बहुत ज्यादा। अगले उसमें लेकिन हटा आपकी दो। सोच बहुत सुंदर थी सर, जी जबरदस्त जी थी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ आप जरूर और बताइएगा सर ये दवाई, ये युक्ति का प्रयोग। आज भी एक केस इसी तरीके का आया था, जी तो उसमें भी ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम थी इसी तरीके की। और जी जैसे रसवाही स्रोतस की दुष्टि में होता है, आपके रसवाही स्रोतस में ज्वर के जो पूर्व रूप होते हैं, अंग मर्द, हल्का हल्का सा बुखार वगैरह बना रहता है, या उनको नींद ज्यादा श्वेतारोह आती संताप सर्वांग्र। है। हाँ नींद ज्यादा आती है, कफ की वृद्धि हो जाती है नींद ज्यादा आने से, तो ये सारे लक्षण उसके भी बताए थे। तो जैसे आपने सर बताया था अरविंद सर कि हमारे ओपीडी में जो 100% केसेस आते हैं, हम उनको रस पाचक चिकित्सा चला सकते हैं, तो आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत अच्छा लगा कि, लेकिन चूंकि हमारी लिमिटेशंस हैं कि हमारे यहाँ पहाड़ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिमिटेशंस हैं कि परवल वगैरह हो नहीं रहा। सर अच्छा, लिमिटेशंस नहीं पूरा है सर, आयुर्वेद का उसमें ज्ञान आपके उधर से आए, पर्वतों से आए, हमारे पास दो दवाइयां आती है सब आपके उधर से आती है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? पूरा अब चरक ये संहिता, लिमिट हिमवत पार्श्वे शुभे, हिमालय से सारा ज्ञान आया है, भरद्वाज मुनि गए थे नहीं हिमालय से ही लेके आए पूरा आयुर्वेद, और आप बोल रहे हैं कि आपके पास दवाई नहीं होना, ये क्या है? आप सर इकट्ठा परवल। करिए ना सर। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम सब लोग जितने भी वैद्य लोग हैं, जहां जहां पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी एक मेडिसिन को, हर्बल मेडिसिन को पकड़ के उसमें जितने उसके कल्प बन सकते हैं उन पे अगर काम करना शुरू करें, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्ले कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ अपामार्ग बहुत बहुत आयत में है, और सर ये मैं कुछ अपामार्ग के बारे में बता रहा हूँ सर। जी बताएं अपामार्ग जैसे चरक सेकंड चैप्टर में ही, उस चैप्टर का ही नाम अपामार्ग अपर तंडुली मार्ग अध्याय है। कंडुली है। तो जी, अपर मार्ग कंडुली है। अपामार्ग का ना सर क्षार जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिजीज के लिए, सिरोविरेशन के ड्रग के लिए, प्लस जी अगर किसी को ऐसा करना है कि मेरे को 2-3 दिन खाना नहीं खाना है, भूख नहीं हाँ लगनी चाहिए, तो जी उसका खीर जो सीड होता है ना, खीर उसका पायस, उसका खीर जो बनता है ना, तो
जी वो उसके अगर जो कोई दाने होते हैं खाता है तो उसको उनका 2 से 3 दिन भस्मक तक रोग रोग नहीं की दवा लगने है, वाली सर। भस्मक रोग की दवा है वो। और एक चीज और हाँ भी और बताते हैं, दूसरे उसके जो अपामार्क के जो पत्ते हैं, माउथ अल्सर वगैरह की जो प्रॉब्लम है, अपामार्क के पत्ते अगर जो आप चबा के खा जाएं तो माउथ अल्सर में फायदा करता है। इसी तरीके से जामुन भी माउथ अल्सर में फायदा करता है, आम की गुठली का पाउडर भी माउथ अल्सर में फायदा करता है। और आम की गुठली का पाउडर और जामुन की गुठली का पाउडर ये डायबिटीज की भी बहुत अच्छी दवा है और अतिसार की भी बहुत अच्छी दवा है, मतलब ये भी आम का पाचन करती हैं। तो जैसे कहा जाता था कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो जो डायबिटीज वाले हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत सटीक ये बैठता है कि आम खाने के बाद जो उसकी गुठलियां बचती हैं उनको फेंकने की बजाय जो उनकी सर, गुठलियों उनका की गिरी कषाय रस होती है। जो होता है ना, उनका जो जी कषाय जी रस होता है ना, वो काम करता है जी हाँ अतिसार में। कषाय रस। हाँ वो अतिसार में उसका कषाय रस होने के वजह से काम होता है। तो मैंने सर और ये दूसरी पाया बात आज सर, तक। ये जो जामुन का गुठली होता है ना, उसका उसका जो पाउडर होता है वो जी पीलू पाक पीठू पाक के प्रिंसिपल से मधुमेह में काम करता है सर। जी इसके अलावा सर मैंने ये पाया कि हमारे जो किडनी फेलियर के मरीज होते हैं, रीनल डिसीज के, उनका जो पथ्य पथ्य की धारणा बनाई जाती है, और ये अतिसार के मरीजों की जो पथ्य पथ्य की धारणा बनाई जाती है, किडनी फेलियर, अतिसार, इसके अलावा शुगर, इन तीनों का पथ्य पथ्य एक जैसा ही मैंने पाया जी। सर अब आप लोगों के विचार सुनना चाहूंगा, मैं थोड़ा शांत होऊंगा अब। प्रणाम सर, पाठक सर जी और सर सभी वैद्यों को प्रणाम। अब चूंकि अपामार का जी जिक्र आ गया है तो अपामार हम लोग भी बहुत बहुतायत से यूज करते हैं। आप जानते हैं जी अभ्यंतर वायु प्रयोग दोनों होता है, और जी क्षार की विशेषता है कि जहाँ यंत्र शस्त्र नहीं पहुंच सकते वहां क्षार पहुंच जाता है, जी क्षार की विशेषता है। तो हम लोग बहुतायत से क्षार सूत्र में अपामार क्षार ही यूज करते हैं। जी थोड़ा बहुत क्षार सूत्र मुझे भी मैंने भी सीखा है, हो सकता है कहीं फेसबुक से डॉक्टर एनएस काला जी सुन रहे हो तो वो बहुत अच्छे क्षार सूत्र के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं हमारे चंपावत जिले में, और करीब 4-5 हजार ऑपरेशन वो कर चुके हैं क्षार सूत्र के, और काफी सफल चिकित्सक हैं। उनके सानिध्य में रह के मैंने भी थोड़ा बहुत उनसे ज्ञान अर्जन किया है क्षार सूत्र का, एक आधे ऑपरेशन मैं भी कर चुका हूँ जी। क्योंकि क्षार की चर्चा आ रही थी तो मैंने कहा इस पॉइंट पर भी जो है जी इम्फेसाइज जी किया जाए। और क्षार की विशेषता है कि जहां यंत्र शस्त्र नहीं पहुंच पाते क्षार वहां पहुंच जाता है। जी आप तो आप आगे आप लोग सर कंटिन्यू करें। हेलो जब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा मैं अपने केस शेयर कर दे रहा जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हूँ। एक पेशेंट आधे होश में आधा बेहोश में ऐसे कंडीशन में था। पेशेंट एज 58 इयर्स मेल पेशेंट, 5:30 बजे करीब, एक महीने पहले मैंने देखा उसके घर जाकर के, होम विजिट किया था। 1.5 घंटा मैं पेशेंट के घर में था। पहले तो आधा घंटा उस पेशेंट को ये समझने में लग गया कि पेशेंट को चिकित्सा किस चीज की करनी, हिस्ट्री वगैरह लेने में। अल्टीमेटली जो मिला कि पेशेंट को CLD का केस था, विथ इसोफेजियल वेरिसेस थे, डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन था, ओबेस पेशेंट था, और पेशेंट का ऑलरेडी बैंडिंग हो चुका था गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अंदर में, और उन्होंने थैलिडोमाइड दे रखा था 50 मिलीग्राम BD करके। पेशेंट को देखने के बाद जो उसको संज्ञा नाश की चिकित्सा अपने आयुर्वेद में बोली गई, नश्य के रूप में मैंने चालू किया। इसमें रसून का स्वरस जो है वो दिया गया था, मोर देन 20 ड्रॉप्स इन ईच नॉस्ट्रिल्स, 2 से 3 बार मैंने दिया था, और साथ में मरीच चूर्ण, कृष्ण मरीच चूर्ण जो है वो दोनों नॉस्ट्रिल्स में दिया था। उसका नश्य देने के बाद पेशेंट को काफी अच्छा रिवाइवल आना चालू हुआ,
और वो पेशेंट जो पूरी तरह से डेलीरियस था, बेहोशी अवस्था में था, ड्राउजीनेस कंडीशन में था, वो सटीक बात मैंने पहले इनकोहेरेंट बात कर रहा था, बाद में कोहेरेंट बात करनी। इसके बाद उस पेशेंट को मैंने कुछ दवाइयां आयुर्वेद की दी, पेशेंट खा पी ले रहा था, अगर मुंह में डाला जा रहा था तो खा ले रहा था, तो सेमी कॉन्शियस कंडीशन में था वो पेशेंट को। बाद में आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा और मेरा डायग्नोसिस प्रियापेटिक कोमा की तरफ था, इंसेफलोपैथी की तरफ था, और उसको काष्ठनी और मकोय और आपको फलत्रिकादि कषाय ये उसको प्रिस्क्राइब किया गया था, और इसके साथ में प्रभ्यात रस भी दिया गया था। वो पेशेंट आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, पेशेंट का सारे रिपोर्ट उसका बाद में ग्रेजुअली पेशेंट इंसुलिन में था, उसको नेक्स्ट विजिट में आने के लिए बोला पेशेंट, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग में उसका एक वीडियो मेरे पास में आया, घर वालों से मेरी बात हुई, पेशेंट अपने आप से बैठ करके अपना नाश्ता खुद कर रहा था, जो कि 7 दिन से उठ नहीं पा रहा था, पेशेंट होश में नहीं था। तो ये रिजल्ट अपने आयुर्वेद के एक डोज की दवाइयों से आता है, और उस पेशेंट का अमोनिया 96 था, जो कि 3-4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही उसका अमोनिया जो है घटना चालू हो गया, और आज 1 महीने के बाद उसका अमोनिया 54 है, और पेशेंट अभी पैदल चल के हमारे चेंबर में आता है और अपनी दवा वगैरह लेके जाता है, बहुत खुश है, इंसुलिन बंद हो चुका है, आयुर्वेदिक दवाइयों से ही उसके शुगर वगैरह का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब वो पहले जो मांस वगैरह नहीं खा पा रहा था, अब वो भी खा रहा है और खाना चाहता है, समझाने पे भी नहीं मानता। तो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ विद इन अ मंथ फॉर अ डेलीरियस सेमी कॉन्शियस पेशेंट, ड्रॉजी पेशेंट इन हेपेटिक इंसेफलोपैथी, प्री हेपेटिक इंसेफलोपैथी। वेरी नाइस सर। सर ये लिवर सिरोसिस की तरफ भी तो जा रहा है सर, ये सिम्टम तो पांचवा स्टेज हो गया ना मैडम, वो पांचवा स्टेज हो गया जी। वो हेपेटिक इंसेफलोपैथी जो हो रहा है वो थर्ड स्टेज है, और पांचवा स्टेज जो होता है उसमें पेशेंट चौथा होता है प्री हेपेटिक कोमा एंड पांचवा होता है हेपेटिक कोमा। ये सारे सिरोसिस में भी आपको यही सारे मिलते हैं, ये सारे सिम्टम्स सर उसमें भी आते हैं। बेसिकली मेरा एक आप लोग को आज भी हमने, मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ वहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट में आरएमओ शिफ्ट कर रहा हूँ, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन आज एक पेशेंट आया था जिसका ऑपरेशन, ये सेकेंड केस बता रहा हूँ, पेशेंट का एक बार सर फिर से पहले वाले पेशेंट का आप रिपीट करेंगे अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। मैडम पेशेंट को देखिए संज्ञा स्थापन नहीं था, तो मैंने उसको संज्ञा जो सर हेपेटिक दिया, नासाई सरसों द्वार जो अभी सर ने बोला सर, आपने मरीज का प्रदमन नस्य दिया। हाँ वो बीड़ी की तरह बना लीजिए मैम, या धूम्रपान बर्ती की तरह बना लीजिए, फूंक दीजिए नाक के अंदर में, वो चला जाता है बड़े अच्छे से आराम से जाता है। मैंने पूरे कोविड के टाइम में जिसको भी नस्य दिया इसी तरह ही दिया था, और मास्क लगा करके रखिएगा, पेशेंट का भी मास्क लगवा के रखिएगा, रेस्ट आप दे दिया। और इसके साथ में जो करना है यहाँ पर आम पाचन अपना पहला, डॉक्टर सुनीता प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। डॉक्टर सुनीता बोलू क्या? हेलो यस सर, प्लीज प्लीज बोलिए सर। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है कि आपको आम पाचन दीपन तो करना ही है, क्योंकि एक मरीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम में है तो वो आवरण दोष में रन करता ही करता है। आप जैसे अपने प्रेशर के मरीज का बात करें तो वहां पर क्या होता है कि अपान के ऊपर में ब्यान वायु का आवरण रहता है, साथ में पित्त के ऊपर में वायु का आवरण रहता है, ये रक्त के ऊपर में वायु का आवरण रहता है, तो ये इससे होता है कि एक हाइपरटेंशन की संप्राप्ति बनती है। इसी तरह जब भी ऐसे मल्टीपल डिजीज है वहां पर आवरण दोष की चिकित्सा, या इनक्यूरेबल डिजीज है जहां पर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं वहां, या जहां पर ऐसे लॉन्ग टर्म हार्मोन थेरेपी के केसेस है, इन सारे जगह में आवरण दोष की चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी, ये मेरा सोच है। और यहाँ पर वायु में वायु का आवरण हो सकता है, कफ में वायु का आवरण हो सकता है, वायु में कफ का आवरण हो सकता है, ये जो 23 तरह के आवरण दोष बताए गए उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इस अगर ऐसा करेंगे तो ही जितने इनक्यूरेबल डिजीज अपने शास्त्र में बोल चुके हैं
उन सारे को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में हम मैंने जो फाइनली जो पेशेंट का भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो काफी दिनों से एक ही चल रहा है, एक विरेचन होना चाहिए जिससे वायु का विमार्गमन न हो और पित्त का प्रशमन भी हो, क्योंकि संज्ञानाश पित्त और वात दोनों का लक्षण में आता है। इसके बाद पेशेंट को जो भी शुगर की ट्रीटमेंट अगर करना है, बेसिकली मेरे कई केस में मैंने कई कॉम्बिनेशन देखे हैं जहां पर आर्यवर्धनी के साथ में पंचतिक्त घृत गुगुल है, आर्यवर्धनी के साथ में गिलोय या त्रिफला का कॉम्बिनेशन शुगर का पेशेंट को बड़ा जल्दी रिजल्ट देता है। मैंने एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कई 23-24 कॉम्बिनेशन लिख करके भी भेजा था डायबिटीज के ऊपर में, वो मैं अपने पेशेंट को यूज करता हूँ, वही मैंने लिखा था। और इस पेशेंट में कासनी दिया गया था और मकोए का अर्थ दिया हूँ, कासनी स्वरस दिया हूँ और आपको फलत्रिकादि पाचन दिया हूँ और एक पुनर्नवा का अर्थ दिया हुआ था और साथ में आर्यवर्धिनी चंद्रप्रभा और क्रव्याद रस और एक दवा और थी। यही देने से पेशेंट को काफी अच्छा रिजल्ट आया था मैम, ठीक है। और सेकंड केस जो आज हमने ऑपरेट किया है हम लोगों ने, उसका अम्बिलिकल हर्निया था, वो पेशेंट को करीब 1.5-2 साल पहले हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था और उस पेशेंट के पैर में लेग में काफी बड़ा डीप अल्सर था, साथ में पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लिवर एंड एसाइटिस था। वो पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हुए लोगों ने जब पैरासिंथेसिस की बात हुई तो मैंने यही बोला कि मेडिसिन डिपार्टमेंट क्यों करेगा, सर्जिकल डिपार्टमेंट में हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग को पेमेंट मिलता था उसमें। तो हमला पहले मैं पेशेंट को देखूंगा तब डिसाइड करूंगा करना है कि नहीं। हमारे कंसल्टेंट से बात हो गई, उसने पेशेंट मेरे को ये हैंड ओवर कर दिया कि मनोज जो करना है करो और मेरे को आकर के फीडबैक दो। जाके मैं देखा पेशेंट का वैसा पैरासिंथेसिस के उस लेवल का नहीं था, तो मैंने बोला सर कंडीशन पैरासिंथेसिस का नहीं है क्योंकि न पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है न पेशेंट का एब्डोमेन इतना टेंस है कि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, सो वी कैन डू अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो बोला कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने तो हाथ खड़े कर दिए, हमने सब पेशेंट मेरे को दे दिए। मैं मजाक में ही बोला कि मेरे को दे दिए मैं ठीक कर दूंगा सर। बोला तुम इस पेशेंट का दवाई से सिरोसिस ऑफ लीवर और एसाइटिस ठीक कर दोगे? हमने बिल्कुल गारंटी देता हूँ। मेरे सुपरिटेंडेंट बैठे, मेरी टीम बैठी, सबको आश्चर्य लग रहा है। मैं बाकायदा चैलेंज करके बोला कि वो केस मेरे को दे दिए मैं ठीक कर दूंगा। एनी हाउ बातचीत तय हुई, डन हुआ, सर ने बोली पार्टी दूंगा। अल्टीमेटली 3-4 कंडीशन मैंने रखा था कि पेशेंट आपके अंडर रहेंगे और ट्रीटमेंट उसका मैं करूंगा एसाइटिस का, पेशेंट से कंसेंट एंड पार्टी से कंसेंट लूंगा कि इस हॉस्पिटल में रहते हुए आपको आयुर्वेदिक दवाई दूंगा, पेमेंट भी लूंगा दवाइयों का, फ्री नहीं दूंगा। सारी बातें तय हो गई। पेशेंट का मैंने एब्डोमिनल गिर्थ देखा, बॉडी वेट चेक किया, 49 सेंटीमीटर का उसका 49 इंच का उसका एब्डोमिनल गिर्थ था और उसका बॉडी वेट मेरे को अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, 58-59 ईयर्स का फीमेल पेशेंट, अम्बिलिकल हर्निया, साथ में लेग अल्सर था और साथ में एसाइटिस सिरोसिस ऑफ लिवर। वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के विद इन 6 to 7 days उसका एब्डोमिनल गिर्थ 39 इंच का था मैम। एंड ये देख करके लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, हमारे पूरे हॉस्पिटल में इतनी हलचल मच गई कि आयुर्वेदिक दवा से पेशेंट का ऐसा रिजल्ट आ सकता है। वो पेशेंट मेरे पास साल भर में 1 से 3 महीने के अंदर में फॉलोअप में रहा, उसको आर्य गोवर्धिनी और चंद्रप्रभा चलता रहा और बाद में वो पेशेंट रेगुलर भी रहता लेकिन मिलने जरूर आता था 1 से 3 महीने के अंदर और दवा भी अपना कंटिन्यू कर रखा था। आज उस पेशेंट का हम लोगों ने अम्बिलिकल हर्निया किया, ऑपरेशन किया, हमारे डॉक्टर प्रसन्नजीत पाल थे साथ में, मैं असिस्ट कर रहा था। तो पेट के अंदर में थोड़ा बहुत भी पानी नहीं था और सर ने ऑपरेशन टेबल पे बोला मनोज ये पेशेंट वही पेशेंट है जिसको आपने पैर का पेशेंट को और एसाइटिस को आपने ट्रीट किया था और अभी उसका पेट में एकदम भी पानी नहीं है, तुमने ठीक किया है। और उन्होंने मेरे को कांग्रेस किया, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कांग्रेचुलेशन सर, ग्रेट सर, ग्रेट। मेरा एक कहना है लीवर के किसी भी केस में, मेरे कई केस मैंने देखा है, आप लोग प्लीज आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा को मत भूलिएगा। इट्स विल वर्क, इट इज अमेजिंग ड्रग, इट विल वर्क वंडर। और मैं खुद 17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, 19 ईयर से मेरे हर प्रिस्क्रिप्शन में आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा होता ही होता है। ये आपका बात सही है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। मैंने मेरे पास तो ऐसे कई पेशेंट है जिसको बहुत ज्यादा आपको डायग्नोस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्लिनिकल ग्राउंड में देख करके अगर पेशेंट गरीब भी है ना सर, अपने दवा देते हैं ना और अपने बकायदा डायग्नोसिस लिख कर सर ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट बहुत खुश है सर।
रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और अरविंद सर के लेक्चर बड़े काम आते हैं। सर ने अपने इसी तरह संभाषा में एक बार पूरा एसआईटीज के ऊपर में सर ने पूरा डिटेल में लेक्चर दिया है, वो लेक्चर प्लीज जरूर से जरूर सुनिए, सर का कॉन्फिडेंस उसमें दिखता है। थैंक यू सर अरविंद सर। थैंक यू। लेकिन चंद्र बाबा और आरोग्य वर्धनी का करने से ना बहुत सारा रिजल्ट आ जाता है। शमन चिकित्सा में ये कॉम्बिनेशन आप लोग यूज करके देखिए, सबको रिजल्ट आता है, एक भी पेशेंट ऐसा नहीं होगा कि हमें फायदा नहीं। आपसे सर जी, सर एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए ना सर। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में क्या करना चाहिए अगर एसआईटी? पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है तो देखिए, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है तो ये रक्त वस्त्र की व्याधि है ना जी सर, तो उसमें क्या करना है, रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्यादि लौ, और जो पांडु रोग की चिकित्सा बताइए चरक की, कटुकाधिग्रहित, दाढ़ीमाधिग्रहित, वरांगक्षार, ये सब कॉटेज आदि, शिला जंतु, पांडु रोग चिकित्सा में सारा चीज बताए, वही चिकित्सा करने से रक्तवाहिनी अच्छी हो जाती है, थ्रोम्बोसिस जो हुआ है वो रक्त पाचक रस पाचक, बोलिए बोलिए सर, रस पाचक रक्त पाचक से ठीक होता है, आप करके देखिए। जी सर जी, मिलेगा आपकी बात तो जरूर दूंगा सर, पेशेंट ठीक हो जाता है जी सर जी। थ्रोम्बोसिस में आपके उधर वरांगक्षार मिलता है क्या? वराटक क्षार मिलता है ना सर? वराटक नहीं, वरांगक्षार। नहीं जानता हूँ सर, सुना ही पहली बार। मैं कभी आपको भेजूंगा, यहाँ पर पांच भौतिक चिकित्सा होती है डॉक्टर। हाँ मैं सुना हूँ सर, मैं उसका उसमें मैं भी वो भी हूँ, मेंबर भी हूँ। हाँ तो उसमें पांच भौतिक चिकित्सा में वरांगक्षार का बहुत ज्यादा महत्व है, वो क्षार है, और जो पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस होता है या डीवीटी होता है, जहां पर भी थ्रोम्बोसिस का कंडीशन है वहां पे वरांगक्षार का बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर ये वर्ड हो गया वरांगल, आप थ्रोम्बोसिस के पेशेंट में यूज करके देखिए सर, प्लीज जरूर भेजिए। हाँ। और फिर बाद में रेगुलर बेसिस पे मंगाता हूँ। धन्यवाद सर। सर एक सवाल और है, लास्ट है। हाँ लास्ट क्या, बार बार पूछे, बहुत पूछे सर। ओल्ड एज का जो मेरा एक कॉन्स्टिपेशन का मैंने कुछ दिन पहले बोला था ना सर, मैं उस पेशेंट का ट्रीटमेंट में फेलियर हुआ, वापस से बुक खोला, वो 78 इयर्स का पेशेंट सर, सारे तरह के थेरेपी में फेल हो गया, तो कोई भी रिजल्ट नहीं आता। डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, वो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, पहले वो कायम चूर्ण वगैरह काफी खा चुके हैं, एक तो ओल्ड एज, दूसरा डायबिटीज, तीसरा हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, चौथा डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, ये चार रीजन तो अपने को समझ में आता है। ये मेरे हिसाब से ये क्रूर कोष में कन्वर्ट हो गया सर, और आम युक्त वायु के हिसाब मेरा डायग्नोसिस आ रहा है। तो क्या इसमें या क्रब्याद रस दे या कुछ और देना? पेशेंट के पूरे कोलोन एरिया में और एपिगेस्टिक एरिया में, अम्बिलिकल एरिया में टेंडरनेस है सर, और उसको तीन चार दिन से पॉटी हो ही नहीं देता। उसको कॉन्स्टिपेशन है तो इसका मतलब है कि रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है। यस सर, मैं तो आप किसी ना किसी तरह से दीपन पाचन तो करिए, क्रव्याद रस से करिए, कोई भी करिए, लेकिन घृत का सेवन करिए सर। दूध में घृत दिया हुआ है, बला तेल और सचर आदि तेल का कैप्सूल मिलते है वो दिया हुआ है, और इसके अलावा पेशेंट को दूध में दो चम्मच घृत डाला हुआ है, एरंड तेल पिला रहा हूँ सर पेशेंट को, और नीचे से बस्ती अगर पॉसिबल है तो बस्ती, हाँ वही देना पड़ा, बाकी रह गया सर, और कोई बात नहीं है सर। लेकिन इसके रोज तो पेशेंट का पूरा क्या जिससे देना बेटर रहेगा सर? आप आपको जैसा सुटेबल है, लेकिन बस्ती जरूरी है, अनुवासन बस्ती। हाँ सर, ये केस में बस्ती जरूरी है, यही मैं समझ रहा हूँ। और आप कितना अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, वाह मजा आ गया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और किसी को कुछ बताना है तो सर, बता सकते सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। किससे सर? आप या मनोज सर कोई भी आंसर करिए। अभी लीवर लेकिन वीकनेस नहीं जा रही है उसका, एक तो बीपी जो है वो डाउन चल रहा है, और थोड़ा सा हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ मतलब। हेलो, हाँ वो थोड़ा सा जो है वो डाउन जा रहा है सर। आपने क्या क्या दवाई लिया? सर मैंने आरोग्य वर्धनी उसकी चल रही है, फलत्रिकाधिक्वाद चल रहा है, कटुक रोहिणी जो क्वाथ है वो चल रहा है, और मैंने अभी उसको उसका नाइटफॉल का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने वंग भस्म और अभी स्वर्ण मालिनी वसंत है वो भी चलाया था, वीकनेस भी हो रही थी उसको, और ये नाइटफॉल का भी था तो वो चल रहा है,
और एरन टेल चल रहा है क्योंकि थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी उसको था, ये सब चीजें चल रही है सर। तो पहले तो उसको बहुत हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में बहुत ज्यादा पेन भी था सर, और भूख नहीं लग रही थी और एक्सेसिव वीकनेस थी जी। लेकिन अब वो सब पेन बिल्कुल नहीं है, पेन चला गया है, भूख अभी सही लग रही है और बाकी सब सिम्टम्स में तो अच्छा है सर। बस वीकनेस जो है और ब्लड प्रेशर का वो बारी बारी मतलब कंप्लेन है कि वो फॉल हो जाता है, नींद आती है सारा दिन, सोने का वो है कि उठा नहीं जाता जी। तो उसमें सर मैडम, मैडम यहाँ पर ना दो तीन चीज बता रहा हूँ, अगर कहीं पर भी ब्लड प्रेशर फॉल करता है ना हाँ तो जी। जैसा अरविंद सर बोलते हैं एक तो, और अपने अपने एक सर हैं, उन दोनों का एक ही कहना है कि आप वहां पर नारदीय लक्ष्मी विलास का उपयोग कर सकते हैं जैसा सर बिस्लेरी वाटर के साथ बोलते हैं। नहीं आपने सही बताया, लेकिन कौन से सर आप जो बोल नहीं पा रहे हैं? हाँ सर, आप कौन से सर का नाम बोलते बोलते रुक गए? सर सर दो मिनट में बोल रहा हूँ एक्चुअली टॉपिक को। और दूसरा ऐसा चंद्र प्रभा देने से भी पेशेंट का वीकनेस, नौशिया, वॉमिटिंग और ब्लड प्रेशर जो लो रहता है ना वो भी इम्प्रूव होता है। आप खुशबू जी ऐसा करिए ना, स्वामला अगर आपके पास है तो स्वामला दीजिए, ब्रह्म रसायन दीजिए जी। और सर एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप तो बराबर बोलते हो सर, आरोग्यवर्धिनी और ब्रह्म रसायन से ब्लड प्रेशर लो होता है। हाँ आरोग्यवर्धिनी और ब्रह्म रसायन जो है ना, आर्य वैद्यशाला का ब्रह्म रसायन देखिए इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि लो ऑलरेडी रहता है उसका लो। वही बात मैं बोल रहा हूँ, वहां पर आपको हाई करने के लिए ये एक तो चंद्र प्रभा दे सकते हैं और एक भी दे सकते हैं। उसको ऐड किया था मतलब थोड़ा सा कि वो देखिए यहाँ पर ना मैडम थोड़ा आम पाचन की भी जरूरत है, अभी आम पाचन पूरा हुआ नहीं है, ये जो निद्रा आ रही है ना ये थायराइड हाइपोथायराइड से भी आती है और आम की वजह से भी आती है। हाँ तो ये नहीं तंद्रा होने तो सर अपने को पित्त का भी चिकित्सा करना पड़ेगा, कफ का भी करना पड़ेगा, तमोगुण का भी करना पड़ेगा, तीनों का ही करना पड़ेगा। तो और दूसरा है कि अपने अग्नि तुंडी भी सोच सकते हैं, अग्नि तुंडी जी गुड चॉइस ऑल्सो, जो भी आपने कंडीशन बताया उसके हिसाब से आम पाचन, अग्निदीपन, लो बीपी और पोर्टल सर्कुलेशन, पेन अब्डोमेन, सारे में ही अग्नि तुंडी अकेले काम करती है और बहुत थोड़ी मात्रा में ही काम करती है। देख सकते खुशबू जी आप दे क्या रही हैं दवाई, वो तो बताई नहीं आप, बताई ना सर मैंने सारी क्या क्या, मैं नहीं सुना बताइए। ओके सर फिर से बताती हूँ सर, आरोग्य वर्धनी चल रही है, फलत्रिक आदि चल रहा है और कटु पटोल रोहिणी कषाय चल रहा है और ये एरन तेल चल रहा है सर नाइट के टाइम में, और वंग भस्म और मैंने स्वर्ण मालिनी वसंत का कॉम्बिनेशन वो दिया है। देखिए आपका ये सब ठीक है, लेकिन आप आसवरिष्ट पे क्यों नहीं जा रही है? आसवरिष्ट भी तो दीजिए, पुनर्नवारिष्ट देने के लिए सर बोले सर चल रहा है। हाँ पुनर्नवा भी चल रहा है सर, कितना आसव पुनर्नवारिष्ट के लिए बोलेंगे सर? कितना लेकिन कितना दे रही है सर? आप तो एक लीटर पूरा पर डे, दिन भर में एक लीटर पिलाता हूँ पेशेंट को, उससे ना एकदम अग्नि बढ़ता है और एक एक धातु सेल में उसको ताकत आती है। भूमि अम्ल की क्वाच चल रहा है, फलत्रिकादि क्वाच चल रहा है, कुमारी आसव चल रहा है, ये तीनों चीजें चल रही है। मैंने 15 एमएल दिया है साथ में, फिर लवण भास्कर भी मैंने ऐड किया, बीपी भी थोड़ा वो हो रहा था और थोड़ा मुझे अग्नि का भी लगा, और मैंने मैडम लवण भास्कर से ब्लड प्रेशर कम होगा, कम होगा सर, बिल्कुल कम होगा, उसमें सादा नमक नहीं है, उसमें सारे नमक में पोटेशियम हाई रहता है, पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करा करके पेशेंट का बीपी लो कर देगा। और दूध दे सर, और मैंने सर मेरा पूरा ट्रीटमेंट तो सुन लो। ठीक है आप कोई नहीं बोलेगा। और महातिक ग्रत भी शुरू किया हुआ है सर मैंने, और साथ में सर मैंने द्रोण पुष्पी का नस्य दिया हुआ है वो तो सर उसका मैंने मतलब मेरे सर है वो इसमें लिवर के पेशेंट्स में यूज करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर, द्रोण पुष्पी का नश्य जो होता है उसका। और सर मैंने अस्थि मज्जा पाचक भी शुरू किया हुआ है, ये सब चीजें चल रही है सर। तो सेरोसिस ऑफ लिवर है तो दूध भी दे रही है कि नहीं वो पहले बताइए? दूध हाँ सर दूध भी चल रहा है, और यकृत प्लीहारी लोह और ये स्वर्ण मालिनी वसंत और वंग भस्म का कॉम्बिनेशन ये पुड़िया बना के दी हुई है सर।
लेकिन कितना दूध का सर, दूध और तक्र का मैंने बोला हुआ है कि दूध और तक्र, तो 2-3 ग्लास सर पेशेंट तो 2-3 ग्लास दूध पी ले पी पीता है और 2-3 ग्लास ही तक्र, इससे ज्यादा नहीं पी सकता। हम लोग तो दूध या तक्र में एक चूज करते हैं और आधा लीटर से 3 लीटर तक पिलाने के बोलते हैं, तो वो क्या होता है दुग्धम सद्य शुक्र कर्म पयाह ऐसा बोलते हैं ना, शुक्र धातु अच्छा करता है तो जल्दी जल्दी रिकवरी होती है, सेरोसिस सेरोटिक चेंजेस जो आए हैं ना वो दूध पीने से और आरोग्य वर्धनी से पूरी तरह से रिकवर होके नए सेल बनने लगते हैं। ये आप करके देखिए कभी, दूध ज्यादा पिलाइए और दूध ऐसे पीने से वॉमिटिंग जैसा हो रहा है तो उसमें इलायची डालिए या कुछ ऐसा सुगंधित द्रव्य डालिए, बॉर्नविटा डालिए, मतलब कैसे भी दूध जाना चाहिए तो शुक्र धातु बनेगा और लीवर जल्दी ठीक होगा। जी सर ठीक है। और आपका चिकित्सा बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, दूध पीने से ताकत भी आएगी उनकी, जो वीकनेस है ना वो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए दूध बोला है उधर रोगों में। तो अभी इसमें मैं, हाँ जी आप बोलिए सर। अच्छा सर, क्या फैटी लीवर ग्रेड 2 के कंडीशन में दूध पीना फैटी लीवर तो अलग संप्राप्ति है ना सर जी, जी वो जी, तो जी। मेद धातु का विमार्गमन होता है रक्त स्रोत के मूल स्थान में जी, वो तो अलग संप्राप्ति है, उसमें तो पाचन देना पड़ता है हमें फैटी। तो सर उसमें दूध पथ्य रहेगा कि नहीं, अगर आरोग्य वर्धनी दे रहे हैं तो उसका अनुपान दूध है तो वो रहेगा जी। दूध दूध देने में प्रॉब्लम है, भैंस का दूध नहीं देना है, गाय का दूध दे सकते हो जी। जी जी सर। और खुशबू जी आप ऐसे ही करते रहिए, हमें बहुत खुशी हुआ कि आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इतना अच्छा है, एकदम हाई स्टैंडर्ड का है। थैंक यू सर। सर तो अभी मैं लक्ष्मी विलास ऐड करूं क्या इसमें? लक्ष्मी विलास करेंगी तो कर सकते हैं, नारदीय लक्ष्मी विलास, किसी को और ऐड करना है तो करिए, डॉक्टर भानु शर्मा जी, डॉक्टर रवि कुमार जी, आप कुछ ऐड करना। मैम इसमें एसआईटिस की कंडीशन नहीं थी ना? नहीं है सर, नहीं सर, नहीं एसआईटिस नहीं है। एसआईटिस हो या ना हो, लीवर का पैथोलॉजी ठीक करना है ना तो आपको आरोग्य वर्धनी और दूध ज्यादा देंगे तभी वो ठीक हो जाएगा। सर मैं बताऊं कुछ? हां जी, हां जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्योंकि प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम राम। जैसे ऐसे पेशेंट में मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है आपको, क्योंकि लीवर पे ज्यादा अच्छे से आप काम करोगे तो वो उससे आपका बीपी पेशेंट का ठीक होगा, क्योंकि लीवर पैथोलॉजी ज्यादा परेशान कर रही है, तो अगर पॉसिबल हो तो उसको फिर गोमूत्र का जो सेवन है या गोमूत्र हरीथी का सेवन इसमें फायदा करेगा, ताम्रभस्म और प्रभार पंचामृत के साथ में, ताम्रभस्म और प्रभार पंचामृत इसमें हेल्प करेगा, और साथ में थोड़ा शर्कुंखा छाट के साथ में रोहित का रिष्ट को ऐड करेंगी तो, क्योंकि ये पर्सनली मैंने रोहित का रिष्ट 1 महीने पहले चलाया था। हाँ, अभी थोड़ा सा वो, क्योंकि वो पेशेंट को अभी सेकंड मंथ मैंने देना था तो वो थोड़ा बहुत चेंज करके दवाई दी, वरना पेशेंट हाँ, भी थोड़ा ये हो जाता है ना कि सेम ही दवाई हाँ, है चेंज हाँ, नहीं करते हो, तो वो थोड़ा सा मैंने चेंज करके दिया। तो जैसे कुमारी आसव आप चला रहे हो तो साथ में उसमें थोड़ा सा अगर शर्कों का छाड़ के साथ उसको कुमारी आसव को ऐड करेंगे तो भी इफेक्ट मिलता है, मैंने इस तरह से किया है, क्योंकि जो यकृत जन्य व्याधियां हैं उसमें रोहितक और शर्कूखा, शर्कूखा छार या शर्कूखा चून इसको जरूर से ऐड कर दीजिए। और अगर मुझे जहां तक मुझे लग रहा है, सर्वी बता रहे थे, मुझे लग रहा है इसमें तक्र का जो है ज्यादा अच्छा से प्रयोग करेंगे तो तक्र का इफेक्ट अच्छे से मिलेगा, और तक्र में थोड़ा सा जो गृहिणी दोष चिकित्सा है और कहीं ना पिछड़ा कला जो हमारी वो है हुई है बॉडी की, उसका इफेक्ट अच्छा आएगा। जैसे सर ने कहा कि तक्र राजिष्ट या तक्र की मात्रा आप बढ़ाएंगी तो दूध से अच्छा रेस्पॉन्स तक्र में गोमूत्र हरीती के साथ में, जो मैंने बोला ताम्रभस्म और प्रभार पंचाम, इसको देखे देखे कुछ दिनों के लिए तो आपको रिजल्ट आएगा। मैडम ये आरोग्य वर्धनी में तो ताम्रभस्म दिया हुआ है? हाँ सर वो तो है ही है, वो तो अलग है, लेकिन आरोग्य वर्धनी को अगर हम इसे खाने से पहले बताते हैं, और अगर क्योंकि ताम्रभस्म का एक इफेक्ट जो है वो लीवर में अलग आता है, तो अगर प्रभार पंचामृत के साथ थोड़ा सा मिला देंगे। सर एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि वो पेशेंट जो है वो मतलब जैसे पहले जो था वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन का था उसको, कि 2-3 दिन तक मोशन ही नहीं होते थे, अभी मतलब 1.5-2 महीने से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको मोशन अभी रेगुलर हो रहे हैं। पहले मैंने हरितक ही चलाया था, उसके बाद में अब मैंने वो पंचतिक ये महातिक घृत और ये एरन तेल चलाया हुआ है, तो अब मोशन तो मतलब है नॉर्मल आ रहे हैं। तो ये मैडम मोशन जो
इस तरह के केसेस में जो मोशन नॉर्मल आते हैं उसमें कटकी चूर्ण रहता है, इसमें क्या नाम है, आरोग्यवर्धिनी में, आरोग्यवर्धिनी में जी सर रंड तेल देते हो आप, इसके अलावा आप जो क्या नाम है इसका, मैडम ने बोला हरित की और ये गोमूत्र का बोला, वो भी आपको काम करता है, फल त्रिकादी जो दे रहे हो उससे भी आपको विरेचन का काम आता है। हाँ जी। ऐसे आपके हर एक ड्रग में ना एक एक विरेचन ऐड है तो पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आए। जी जी हाँ जी। अब सर अब नहीं आ रही है सर, वही मैं आपको बता रही हूँ कि अब तो नहीं आ रही। यकृत प्लीहारी लो में भी ताम्र और उसमें विरेचन का अच्छे ड्रग है। और एक बात जो बोला था ना कि जो भी ऑर्गन सूख रहा होता है ना वो वायु का दोष ज्यादा, मतलब वायु कुपित रहता है तो ही कोई ऑर्गन शरीर में सूखता है, तो वहां पर घृत और तेल जो है बहुत अच्छा। इसीलिए सर मैंने घृत तो और तेल घृत दिया है ना, वो यकृत के एरिया में घृत का रोल ज्यादा आता है क्योंकि भूताग्नि का स्थान है। जी सर वो मैंने इसीलिए शुरू, रॉ घृत जो होता है ना अग्नि वृद्धि करता है, वो अग्नि का शमन नहीं करता, पित्त का शमन करता है, अग्नि का वृद्धि करता है, तो अच्छा है। ऐसे केसेस में अविपत्ति का चूर्ण ज्यादा अच्छा काम करेगा और पेशेंट की कमजोरी को भी हटाएगा। खाली पेट में 2 चम्मच देना होता है दूध के साथ। जी सर वो मैंने शुरू में चलाया था, फिर से वो कंटिन्यू करूं फिर? हाँ उसमें बहुत ज्यादा ही मात्रा में ना प्रमाथी द्रव्य भी है और सीता है, मैंने मिश्री है बहुत हाई क्वांटिटी, तो वीकनेस और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जॉन्डिस वगैरह भी रहे तो पेशेंट। जी जी हेलो हेलो जी मनोज सर आपकी आवाज चली गई। जी मैडम सॉरी फॉर दैट। आप इसको देखिए और पेशेंट का प्रकृति आपको विवेचन करना, उसके हिसाब से ड्रग सजेशन देना। और एक बात जो है ना अग्नि तुंडी का जो एक गुण और भी है, जो क्लब्य रोग है ना उसमें अग्नि तुंडी का रोल बहुत अच्छा है। ओके सर जी थैंक यू। ठीक है सर फिर मैं अभी लवण भास्कर जो अभी तो खैर 15 डेज की मैंने दी है तो नेक्स्ट और वंग बस भी चल ही रही है तो होपफुली लगता है कि 2-4 भी है जहां तक मेरे को याद है, और उसमें जांबीर नींबू का सोरस वगैरह भी दिया हुआ है, तो सारे थोड़े से तीक्ष्ण द्रव के रूप में आएंगे। यहाँ पर तीक्ष्ण द्रव की जगह मृदु द्रव का सिलेक्शन कीजिए वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर जी आपका डॉक्टर खुशबू जी आपका हो गया। हाँ जी सर थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आप ऐसे ही करते रहिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। डॉक्टर भानु शर्मा जी आप कुछ बताइए, डॉक्टर रवि कुमार जी, डॉक्टर कृष्णा जी। नमस्कार सर। एक एक करके बोलिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर कृष्णा बोल रही हूँ। मेरे पास एक पेशेंट था डॉक्टर साहब, उसको काफी दिनों से जीर्ण प्रतिशय है और लेफ्ट नेक में ना स्टिफनेस है, काफी पेन है और कॉन्स्टिपेशन है, अरुचि है, और रात को जैसे वो सोती है तो नाक बहता है उसका, छींकी बहुत आती है जी। और आंखों में और तालू एरिया में खुजली बहुत ज्यादा होती है, वो बोल रही थी कि इतनी खुजली होती है कि मैं खुजा खुजा के परेशान हो जाती हूँ। और सर उसको एक स्केंटी पीरियड्स हैं विद क्लॉट ब्लैक कलर के जी। तो सर इसमें क्या विचार करूं मैं, क्या दूं उसको? आपने दीपन पाचन दिया क्या कोई दवाई? हाँ जी मैं वो आप ऐसा कर और आरोग्य वर्धनी। हाँ जी। और कॉन्स्टिपेशन है तो सोचिए रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है तो स्नेहन करिए, अभ्यंतर स्नेह पान कराइए, घृत का पान ज्यादा करिए, अगर बस बोले तो बस्ती दीजिए मात्रा बस्ती। सर यहाँ पर रस पाचक का जरूरत होना चाहिए सर। हाँ, एक तो रस से कफ का उत्पत्ति होता है और ये विकृत कफ है, दूसरा कि आर्तव का दृष्टि है यहाँ पर, और कृष्ण वर्ग का आपको ये बता रहे हैं आर्तव। रस और रक्त पाचक दोनों चलनी चाहिए सर। हाँ, हाँ। और यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस में सूक्ष्म त्रिफला ज्यादा बेटर ड्रग है, और लक्ष्मी विलास रस ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी प्रतिशाय की, वो भी दे सकते हैं, और साथ में इचिंग वगैरह है ना तो गंधक रस है, और कॉन्स्टिपेशन भी है ना कृष्णा जी? हाँ जी कॉन्स्टिपेशन है डॉक्टर साहब काफी। अच्छा सर एक और चीज बता रही थी, वो
सर एक और बता रही थी, ये जो तकलीफ है ना उसको जुलाई से सितंबर तक ज्यादा रहती है। अच्छा एक बात सुनिए, आप वाग्भट संहिता निकालिए अष्टांग हृदय, उसमें मल वेग अवरोध का सिम्टम देखिए, तो उसमें लिखा है कि मल वेग का अवरोध किया तो प्रतिशय होता है। तो देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप पेट साफ करेंगे अनुलोमन कुछ द्रव्य देंगे ना, अपने आप प्रतिशय ठीक हो जाएगा। सर अरंडी तेल दे सकती हूँ मैं? हाँ दे सकते हैं, जैसे पेट साफ होगा ना प्रतिशय, क्योंकि हेतु वहां ये है मल का अवरोध होना, कॉन्स्टिपेशन भी होने का कारण है कि वो मल का वेग का अवरोध करते थे बहुत ज्यादा। आप एक बार देखिएगा ना ये अष्टांग हृदय में लिखा है कि नहीं प्रतिशय, ठीक है? और आपका चिकित्सा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बताया सबने, अच्छा बताया। अब हम नेक्स्ट दिया था, ठीक है सर आप सब चीज दीजिए लेकिन पेट साफ करिए पहले, ठीक है सर? ओके थैंक यू। डॉक्टर भानु शर्मा जी आप बोलिए कुछ। सर नमस्ते सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था, मैं एक केस प्रेजेंट कर रही हूँ। हाँ करिए ना, वीडियो ऑन करके। पेशेंट साथ में बैठे हैं क्या आपके? पेशेंट साथ में नहीं है उसका, सर मैं रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ देती हूँ आपको। अगर आप शेयर करना चाहें तो मैं आपको को-होस्ट बना देता हूँ। नहीं ठीक है सर, मैं वैसे ही बता देती हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है उस पेशेंट की। ठीक है ठीक है। सर ये पेशेंट है फीमेल पेशेंट है, 38 इयर्स की है। इसको सर इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्पेशली सेकंड डे में बहुत ज्यादा पेन रहता था, और ये पिछले 4 साल से उसके साथ में ऐसा था। तो सर इसकी जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है वो है कि फुल टर्म एलएफसीएस का हुआ हुआ है, मेल चाइल्ड है इसका 11 साल पीछे। अभी सर जब इसको जब लगातार 4 साल से इसको दिक्कत थी तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें इसको निकला म्यूरल फाइब्रॉइड 19.6 × 10.7 mm का। ऐसे में ये जो पेशेंट है इसको हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या लें? आपने क्या क्या विचार किया वो पहले बताइए फिर हम बताएंगे। सर मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री ली, ये जो पेशेंट है सर इसका सोने का रूटीन, हाँ सर इसकी नींद तो बहुत खराब है, इसको गैस बहुत ज्यादा बनती थी, इसको ब्लोटिंग बहुत रहती थी, और लेकिन इसका सर खाने का जो रूटीन है कोई जंक फूड नहीं, कोई स्पाइसी फूड नहीं, बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स पे खाना खाना, 3 इसकी प्रॉपर मील्स होती हैं और आपको 8 बजे तक वो डिनर कर लेती है, डिनर इज द लाइटेस्ट, ये सब था। लेकिन हाँ ये है सर कि इसके रूटीन के अंदर कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि उसका जो जॉब है वो पूरा सेडेंटरी है। ये सर इसकी चीज थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं जाकर के इसको ये सारी दिक्कतें हुई हैं। तो सर मैंने उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया वो ये था कि सबसे पहले तो सर क्योंकि उसको गैस ब्लोटिंग ये सारी चीजें थी, तो मैंने दीपन पाचन के हिसाब से इसको आरोग्य वर्धनी वगैरह स्टार्ट किया और अनुलोमन के लिए इसको त्रिफला दिया। और सर पेशेंट आता तो मैं जनरली पेशेंट को कैश और गूगल साफ करती हूँ। जब ये पेशेंट मेरे पास में आई थी ना तो इसकी साइकिल आने वाली थी, तो मेरे दिमाग में यही था कि इस बार जो उसकी साइकिल हो वो उतनी पेनफुल ना हो जितने उसको दिन में 4-5 पेन किलर्स वो हमेशा खाया करती थी जी। तो मैंने उसको एरन टेल दिया था लोकल एप्लीकेशन के लिए जी, जब भी तुमको पेन हो तो तुम वो लगा लेना। तो कंपेरेटिवली सर इसको रिलीफ था, बट सर ये एक टेम्पररी जो मैंने उसको दिया था, बट अब मैं इस ट्रीटमेंट को आगे कैसे लेके जाऊं? मैं थोड़ा गायनेकोलॉजिस्ट लोग हैं ना उनको भी बुला देता हूं, क्योंकि मैं तो बोल सकता हूं लेकिन मैं सबको चांस देता हूं। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी आप कुछ बता सकती हैं? डॉक्टर अनुप्रीता जी, डॉक्टर अनुरीता जी, अंजना जी आप बताइए मैडम जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्रणाम जी सर। पेशेंट बहुत अच्छा है, मैडम ने बहुत अच्छे से बताया भी है सारी बातें, और मैं एक ही बात उनसे और पूछना चाह रही थी कि मैम जो आपने 38 ईयर की उसकी एज बताई है तो आपने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री अगर ली होगी तो कभी कोई अबॉर्शन की या किसी तरह की ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट की? उसका सिर्फ ये सिजेरियन जरूर हुआ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के साथ में। हाँ उसके बाद
उसके बाद उसने कंटिन्यू मतलब प्रेगनेंसी आई नहीं, या उसने कुछ कंट्रासेप्टिव्स वगैरह लिए, या फिर अबॉर्शन कराया, या कोई मेडिकल अबॉर्शन हुआ, और फिर कुछ भी उसने मुझे उसने नहीं बताया कि उसका प्रॉब्लम से कुछ हुआ, क्योंकि आप बताए ना 11 साल का उसके पास बेबी है, तो वो सेकंड टाइम प्रेगनेंट ही नहीं हुई, या उसने प्रेगनेंसी ना होने के लिए कुछ मेडिसिन ली, ये एक बहुत बड़ा हेतु हो सकता है इसमें, क्योंकि उसको फाइब्रॉइड है ना मैडम, अगर उसको फाइब्रॉइड है तो फाइब्रॉइड के लिए हम लोग को थोड़ा सा जो है कि अपने आप में मतलब ये मेन कॉज इसका जो आप बता रहे हो, एक तो पैरामेनोपॉजल कहेंगे, इसकी मदर का जो हमें पता करना पड़ेगा हिस्ट्री कि इनकी मदर को कब हुआ मेनोपॉज, समटाइम्स होता है मेनोपॉजल हिस्ट्री से भी इसका रिलेशन होता है, क्योंकि हार्मोनल डिस्बैलेंस के कारण, और आप बता रहे हो 4 साल से है, तो वो 4 साल से सेम प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब कि 4 साल पहले भी इतना ही पेन होता था, या ये पेन अब ज्यादा फील कर रहे हैं, तो वो हार जी धीरे धीरे उसने कहा कि मेरी इंटेंसिटी तो बढ़ी, बट इनफैक्ट आवर शॉक डाउन मैंने बोला उनको कि अगर आपको 4 साल से प्रॉब्लम थी तो आपने क्यों अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, तो उसने ये समझा कि मतलब ये तो नॉर्मल है, ऐसा दो दिन तो होता ही मतलब एजुकेटेड है। हाँ नहीं नहीं ठीक कह रहे हो आप, इसका मतलब मैम ये हुआ जैसे पेशेंट कैसे बता रहे, इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट पहले वो बेयर कर पा रहा था, वो पेन उसको ऐसा इतना ज्यादा था लेकिन इतना ज्यादा सीवियर नहीं था, और वो सीवियरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये एक एक कॉज होता है मैम कि कभी कभी जो होता है, या तो फिर उसको थोड़ा सा एग्जामिन करके एक बार आप देख लीजिए, कभी कभी उसको या तो PID मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन या डिजीज हो सकती है, वो क्रॉनिक हो सकती है, और उसको फाइब्रॉइड है भी है साथ में, नहीं भी कि उसने बताया ना हो, या वो छुपाना चाह रही हो, या उसने कोई कंट्रासेप्टिव्स या फिर कोई मेडिकल अबॉर्शन की हिस्ट्री मिल सकती है, तो आप इस समय यहाँ पे ये कार्य करिए कि पहले उसको अच्छे से जो है वो दीपन पाचन और शोधन और लेखन का कार्य करना होगा, दीपन पाचन के लिए जैसे हम लोग जनरली आरोग्य वर्धनी द बेस्ट ड्रग मानते हैं, या निशोध चूर्ण भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट के नेचर के हिसाब से, और थोड़ा सा मैं यहाँ अगर होंगी तो अच्छी चूर्ण या तीसी का चूर्ण जरूर दूंगी कल्क बना के दूध के साथ सुबह के समय खाली पेट, और उसके अलावा पॉसिबल जी अगर पॉसिबल होगा तो थोड़ा उसको दशमूल क्वाथ के साथ ऐड कर दूंगी, दशमूल क्वाथ भी उसको सुबह सुबह मिल जाए, और देन उसके बाद उसको जो आरोग्य वर्धनी खाना खाने से पहले, और फिर उसको जो हमें फाइब्रॉइड में वर्क करना है तो यहाँ थोड़ा सा यव क्षार या फिर जलकुंभी क्षार का बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, मूली का क्षार का भी इफेक्ट है, मतलब आपको एक क्षार जरूर ऐड करना पड़ेगा, साथ में त्रिभंग या फिर सरस्त्री भंगेश्वर करना पड़ेगा, और एक एक वसंत मालती योग जरूर देना है, लघु वसंत मालती ही बेस्ट रहेगा, साथ में थोड़ा सा अभ्रक भस्म के साथ कुटकुटान का भस्म इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि मेनोपॉजल एज चल रही है 38 ईयर के आसपास है, और बाकी गिलोय सत के साथ में थोड़ा सा जो है अगर आप ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे तो कुटकी या कालमेघ में से एक ड्रग ऐड कर दीजिए, और उसको जो है आप इसको क्योंकि प्रॉब्लम उसको है पेन की और ब्लीडिंग की, तो थोड़ा सा भी इसको चविकासप के साथ भी हम ऐड कर सकते हैं, ये जो हम अनुपान दें तो चविकासप के साथ दे दें, और उसके बाद जो पेशेंट को इसके बटी देना है तो हम यहाँ पर क्योंकि मेनोपॉजल ग्रुप है और थोड़ा सा अग्नि को भी मूव करना है तो मैं चित्रकारी या फिर अग्नि तुंडी अगर उसकी प्रकृति बहुत ज्यादा उत्तेज नहीं है तो, और अगर है तो फिर चंद्रमा बटी को भी ऐड कर सकते हैं, कफज है तो मैम इसको यहाँ पे थोड़ा सा अग्नि तुंडी ऐड कर दीजिए क्योंकि ये बात शाम चलेगा इस समय की वर्षा ऋतु का भी अभी वो प्रभाव है, और साथ में जैसे आपने लेपन बताया है तो अच्छी का भी लेप बहुत फायदा करता है अधोदर पे, या फिर जैसे आपने कहा मैंने एरंड तेल का लेप तो एरंड तेल को अच्छी में मिला के भी आप लेप कर सकते हो, और अगर आप कर सकते हो तो मात्रा वस्ती का अच्छा इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, मात्रावस्ती आपको इस पेशेंट को देना चाहिए, मात्रावस्ती में आप जो भी आपको लगता है प्रकृति के हिसाब से जिस भी तेल का आप निर्धारण करें, और थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो नस्य क्रिया भी करना चाहिए मैम, नस्य देना चाहिए पेशेंट को एक्चुअली मैडम अब डिपेंड करता है यहाँ पे जो वर्क होता है, यहाँ पे हम लोग जो वर्क करते हैं वो शतपुष्पादी तेल का या फिर सहचरादी तेल का, और जो वस्ती है वो भी हम शतपुष्पादी तेल की या सहचरादी तेल की दे सकते हैं, और इसी का आप नस्य दिए, नहीं कुछ मिलता है तो आप दशमुलादी तेल की भी नस्य और दशमुलादी तेल की बस्ती भी दे सकते हैं, तो इस पे इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। ठीक है जैसे कई बार ना कर्क रस के लिए बताते हैं हमेशा फाइब्रॉइड में,
सर, लेकिन ये मैंने अभी आपको बताया, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे बताया, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हम धीरे धीरे जो है उसकी जैसे जैसे उसकी कंडीशंस के हिसाब से बदलते जाते हैं। तो अभी इसको आप 15 डेज या 20 डेज या 1 मंथ के लिए इसको दीजिए, नेक्स्ट मंथ इसका रेस्पॉन्स दीजिए, देखेंगे तो उसके बाद फिर आप डिस्कस करिएगा, तो कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें मिलेंगे करना है, क्योंकि शुरुआत में हम लोग अति तीक्ष्ण जो ब्याज दस थोड़ा तीक्ष्ण माना जाता है एक दिन कंपेरिजन टू अगले ये आरोग्य वर्धनी। तो हम पेशेंट में पहले ये इस तरह की मेडिसिन देते हैं कि पेशेंट पे किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, या पेशेंट हमारे दवा के साथ में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे और उसको हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता रहे, उसको धीरे धीरे असर आएगा, तो वो नेक्स्ट बार फिर आपसे खुद ही कहता हुआ आएगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत फायदा मिला। जी मैम, मेरे को ये भी पूछना था आपसे कि ये जो साइज है 19.6 × 10.7 mm, तो इसका मैम प्रोग्नोसिस ठीक है? हाँ मैम है, थोड़ा टफ है, लेकिन क्योंकि ये ग्रुप मेनोपॉजल ग्रुप में आ रहा है तो वो इतना टफ नहीं है। मेनोपॉजल ग्रुप का मतलब होता है कि हमारे पास जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स के कारण जो होता है वो समटाइम्स 40, 41, 42 तक पीरियड्स जो है वो कम जाते हैं, तो हार्मोनल डिफिशियंसी होती है, तो एट्रोफिक चेंजेस आती है। जब एट्रोफिक चेंजेस यूट्रस में आएंगी तो कहीं ना कहीं वो फाइब्रॉइड को भी एट्रोफी में ले जाएंगी, और फाइब्रॉइड थोड़ा जल्दी जो है वो अपना कहना चाहिए उसके साथ वो प्रॉब्लम्स कम होती जाती है, ऐसा देखने में आता है इस ग्रुप में। मुझे एक चीज और बता दीजिए, मैं भी आई एम टेकिंग टाउन ऑफ एक बार मैं हाँ यहाँ ये कहना चाहूंगी आपसे सॉरी कि आप एक बार इसका CA-125 भी करा लीजिएगा और एक पैपसमियर भी करा लीजिए। अच्छा श्योर मैम। मैम मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूँ आपसे। जी मैम, ये जो एंडोमेट्रियोसिस जो लोगों को आजकल इतना कॉमन होता जा रहा है, इसके पीछे हाँ। जो ये जो पेशेंट जो आईपिल्स वगैरह कंज्यूम करते हैं या जो साइकिल को विड्रॉ करने के लिए जो हार्मोन खा लेते हैं, कैन दैट बी वन ऑफ द रीजन? या मैम पक्का, इसीलिए तो मैंने आपको इसको भी बोला, एक बार इस पेशेंट को फिर से आप एक बार जो है जब आप उसके साथ सिटिंग लेंगी तो उसको डिटेल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके स्पेशल फाइब्रॉइड वाली पेशेंट के बारे में भी आप जरूर पूछिएगा। और ये जितना हार्मोनल ट्रीटमेंट या उस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट लेके आती है मॉडर्न गायनेकोलॉजिस्ट से, ये जो है कहते हैं ना बहुत ही इसके जो है उस समय तो वो केवल कहना चाहिए कि सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल भी जाता है, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है, लेकिन इसके बाद के जो उपद्रव कहना चाहिए कॉम्प्लिकेशन रही है, ये बाद के जो इफेक्ट्स होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही खराब होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस से लेके और एडिनोमायोसिस से लेके और पीसीओडी से लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट। जी मैडम दो प्रश्न है मेरा। एज में होता है, तो इसको आयुर्वेद में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज अगर बताएं। सर ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन, क्योंकि हमारे यहाँ अर्बुद चिकित्सक अर्बुद का वर्णन ज्यादा आया है, उसको हम लोग अर्बुद अर्बुद मान के चलते हैं, और अर्बुद भी इन्होंने हाँ अब सर यही है ना, अर्बुद भी इन्होंने कई तरह का माना है। जनरली हम लोग जो मानते हैं वो मेदो धातु की इसमें विकृति मानते हैं, और मेदो 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 धातु की विकृति के साथ साथ जैसे हमने आप पढ़ा है अभी अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर धातु भी और कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर धातु भी वहां पे इससे इफेक्टेड होती ही होती है, और अगर कहीं वृद्धि हो रही है तो वो कफ वृद्धि हो ही रही है, और जब कफ वृद्धि होगी तो उसमें क्योंकि पाक या उस तरह के सिम्टम अगर मिलते हैं जैसे ब्लीडिंग हो रहा है तो रक्त की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं पित्त उसमें इन्वॉल्व होगा, और जब कफ और पित्त इन्वॉल्व होगा तो सर बात का तो कहीं ना कहीं उसमें अंशांश कल्पना में कहिए या आवरण कहिए तीनों दोष। जी सर मैं बताता हूँ, इसमें एक तो वायु का है रुक्ष गुण बढ़ा हुआ रहता है, और रक्त धातु मांस धातु मेद धातु ये तीनों दृष्टि होती है वहां पर, और विकृत कुछ ऐसे सेल बनने लगते हैं आयुर्वेद के हिसाब से जो ग्रंथि बनाते हैं अर्बुद बनाते हैं, ग्रंथि के आगे की स्टेज अर्बुद बनता है, तो यहाँ रक्त धातु का भी इन्वॉल्वमेंट है, ऊपर से मांस धातु का भी है मेद धातु का भी है, तो हम लोग जो चिकित्सा करते हैं ना उसमें रक्त पाचक मांस पाचक मेदो पाचक ये जब हम देते हैं ना तो ये अर्बुद है ये पूरी तरह से पचने लगता है, और क्रव्यात रस जो रहता है वो धात्वग्नि को अच्छा करता है, मतलब जठराग्नि धात्वग्नि और भूताग्नि ये सबको क्रव्याद रस अच्छा करता है, तो पूरी तरह से पचा देता है विकृत जो बढ़ा हुआ है सेल उसको पचा देता है, तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जी जी सर जी जी आप कंटिन्यू करिए, कितना बढ़िया बता रही थी आप डॉक्टर अंजना मैडम जी।
डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी। सर एक सवाल आपसे है सर, कि सुसुत में सर्जरी की मैंने अर्ध चिकित्सा तो उन्होंने रक्त मोक्षण बताया सर, हाँ। तो ऐसे सिरावेद मेनली सर, तो ऐसे केसेस में सिरावेद का कहीं कोई रोल फाइब्रॉइड में जो यूट्रेन तो यहाँ पर सिस्ट रहते हैं उसमें रक्त मोक्षण तो करते ही हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर साइट क्या होगा, कितना एमएल का होगा सर? अब पेशेंट टू पेशेंट उसका एचपी लेवल कितना है, पांडुता है कि नहीं उसके हिसाब से, लेकिन हम लोग कितना निकालते हैं 10 ml 15 ml निकाल देते हैं। सर ये जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड अपने ब्लड लेटिंग करते हैं सिरावेद करते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं? बुक में तो जो बोला गया अपने अचानक से किसी पेशेंट को देखना हो करना पड़े तो ये डिसीजन कैसे लिया जाए, इसका कोई है प्रिंसिपल है? एक जोला का कितना रक्त निकाल लेती है वो बताइए। 10 to 20 cc। हाँ उतना बस ठीक है ना, उतना दूषित रक्त निकलेगा, नया रक्त आएगा तो उसमें रीजनरेट करने की पावर रहती है। जी सर। तो सर एक बार में सिर्फ एक जलो का लगाते हैं क्या, नहीं तो ज्यादा भी लगाते हैं सर? 8-8 जलो का भी लगा देते हैं। हाँ तो एक साइड पे सर मतलब डिस्टेंस मेंटेन। फाइब्रॉइड में आप जलो का लगा के देखिए, इतना अच्छा रिजल्ट आता है, इतना अच्छा कि क्या बताएं। पत्र पुटली स्वेद और जलो का विचारण बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इंग्वाइनल रीजन में सर? हाँ वो जलौका को छोड़ दीजिए, वो खुद ढूंढ लेगा रास्ता। पूरे शरीर में कहीं पर भी जलौका लगा सकते हैं, इवन अपेंडिसाइटिस के केस में आप जलौका लगाएगा पेशेंट का दर्द इमीडिएट कम हो जाए। हाँ। आपको लगाना कहाँ है? मैकबर्निस पॉइंट पे लगाना। हाँ। मतलब जहां गर्म के लिए। हाँ जी फाइब्रॉइड के लिए, फाइब्रॉइड के लिए तो हम लोग नाभि के नीचे छोड़ देते हैं, जलौका खुद चूज कर लेती है और एक एक फीट इतना दूर तक वो रक्त का शुद्धि कर देती है शरीर में अंदर बाहर। तो नेक्स्ट जलौका जो अगर एक साथ अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या इतना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलें कि या फिर हम मतलब दो जलौका के बीच में लगभग कितना डिस्टेंस रखें? ऐसा कुछ नहीं है, जलौका मेरे पास तो सारी जलौका चिपक चिपक के एक साथ ही 8 भी लग सकती है आसपास। हाँ, लग तो जाती है सर, मतलब बेटर क्या रहेगा कि हम कितना डिस्टेंस ऐसे डिस्टेंस का कहीं वर्णन नहीं है। देखिए ये क्या होता है ना, जो मेरे को समझ में आता है, मैंने 6 महीना जलौका का पालन पोषण किया था, मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था और मैंने खुशी खुशी हमारे एमडी कॉलेज में मैंने किया था, हमारे डॉक्टर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पीसी त्रिपाठी सर ने दिया था। तो जलौका जो है अगर वो रक्त चूस रही है, जलौका हमेशा दूषित रक्त ही चूसती है, कभी शुद्ध रक्त नहीं चूसती, तो अगर वो लोग ले रहे हैं सर, शरीर में सिम्टम जो है ना वो इमीडिएट कम होने लगते हैं, तो आपको पूरे शरीर में लघुता आती है, अगर कहीं पर जड़ता है तो जड़ता चली जाती है, इमीडिएट जाएगा विद इन अ मिनट, और ये मिनट आपको डिपेंड करता है डिजीज कितना एक्सटेंसिव है, 2-3 मिनट से लेकर के आधे घंटे का भी समय लेता है, डिपेंड करता है डिजीज कैसा है या कितना सिवियरिटी है, कितना पुराना है और कितने ज्यादा सिम्टम्स है, कितना रक्त का दूषित हुआ है, ये सारे को लेकर के ये डिस्टेंस का मैटर ऐसा है कि आपको जलौका अगर ट्रीटमेंट करना है पुराने डिजीज है तो डेली करना पड़ता है, ये तो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। हाँ नहीं सर, वैसे कि स्किन डिजीज में मैं अप्लाई करवा रही हूँ, जैसे पित्र है, फार्दाइट पित्र है या फिर सोरेसिस है, मैं इन डिजीज में लेती हूँ, तो मैं वैसे तो प्रिकॉशनली 1 वीक का गैप रखती हूँ हर रक्त मोक्षण के बीच में, और एक बार मैं करीब 5 to 6 तो अप्लाई करती हूँ, तो 5 to 6 जलो का प्रॉपरली 30 मिनट तक वो ब्लड सकिंग लगभग करती ही है, और उसके बाद मैं उनको 15 days 7 days का गैप देकर, चाहे कितना भी करे क्वांटिटी तो उसका फिक्स हो गया ना, अपने बॉडी का फिर से ज्यादा नहीं करेगा। हाँ, और अपने आप रेस्ट कर देती है। हाँ, जब भी ना गंदा खून शरीर से निकलता है, दूषित रक्त का शोषण होता है ना, तो ब्लड फॉर्मेशन और फास्ट होता है। हाँ सर, वो सर्कुलेशन भी ब्लड का फास्ट करता है और डेफिनेटली वो ब्लड फॉर्मेशन को भी फास्ट करता है। बेसिकली आम का चूसन हो जाता है, आम दोष का रक्त, तो जो शरीर जो है ना अपना री ब्लड फॉर्मेशन का काम को फास्ट, जो टोटल 30 डेज का प्रोसेस है ना उसको और जल्दी फास्ट कर देता है, जो धातु रूपांतरण का 30 डेज का टाइम बोला गया ना वो और फास्ट हो जाता है, जैसा कि रसायन और वाजिकरण को देने से होता है ना, वो रिजल्ट फिर वहां पर डेवलप करने लगता है। हाँ तो बताओ, अभी हम इसमें डरने की बात नहीं कि हम 6-7 जलौका लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं, नहीं, कहीं लोग अपने जैसे कहीं पर इवन नियर टू आईज के एरिया है वहां पर एक एक साइड में 3-3, 2-2, 4-4 जलौका भी लगाते हैं। हाँ सर, वो भी देखा है मैंने,
लेकिन मैं तो स्किन ऐसा पहले तो हम लोग को डरना बंद करना चाहिए डेफिनेटली बट कुछ दिन डेयरिंग होनी है क्योंकि हमें पेशेंट को भी कन्विंस करना पड़ता है कि इट विल नॉट हार्म यू। अरे सुनिए, अगर किसी की नई प्रैक्टिस है तो अलग बात है, अगर पुरानी प्रैक्टिस है तो 100 में से 10 पेशेंट जाएंगे, ये गारंटी है। नहीं सर, ठीक तो सभी होने चाहिए जैसे वो। हाँ, 100 में 100 पेशेंट किसी के ठीक नहीं होते, किसी के नहीं ठीक होते। मनोज सर आपकी एक रिक्वेस्ट थी, आपका मुझे नंबर चाहिए, कोलकाता में एक पेशेंट है ब्रेस्ट कैंसर का, उसको कुछ आयुर्वेदिक कंसल्टेशन चाहिए, तो मैंने आपको चैट बॉक्स में भी लिखा था, आप प्लीज अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। ये 98। अच्छा मैं अभी शेयर कर सर ग्रुप में है। मनोज सर। जी सर। जी प्रणाम सर। प्रणाम सर, एक जलौका के बारे में पूछना था कि जलौका की अलग अलग किस्में हैं, कौन सी जलौका हम यूज करते हैं इसमें? सविष निर्विष है ना सर, लेकिन पहचान पाना थोड़ा सा दिक्कत तो है सर। अब वो देखिए डॉक्टर गौरी जी आई हैं क्या, उनके माता जी को कैसे हो गया था पूरा, अभी तक इन्फेक्शन है ही, वो सेल्यूलाइटिस हो गया था ना। हाँ जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर, कौन सी जलौका कैसे पता चले। मैं एक लेक्चर लूंगा, मैं उसमें सविष और निर्विष जलौका लेके आऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सर। वो दिखाने से समझ आएगा, ऐसे बोलने से नहीं समझ आएगा। जी सर। डॉक्टर बानु शर्मा जी, आपका केस बहुत अच्छा है, आप इसमें सफलता प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर अंजना मैडम जी चली गई, ठीक है। डॉक्टर रवि कुमार जी, आप हैंड रेस के कुछ बताएंगे सर? डॉक्टर रवि कुमार सर। सर हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर, कैसे हैं सर? सर बढ़िया सर, आप कहाँ चले गए थे? बीमार था, ओवर एक्सर्शन हो गया था, कल पूरा दिन सिटी में गया था, कुछ कुछ किताब ढूंढा था आप लोग के लिए। जी सर, हम लोग मिस कर रहे थे आपको। हाँ, वो मैं गंधक अमृत करके एक जो दवाई है ना, उसका मैं ऑर्डर दे रहा था, वो मुझे बना के मिल रहा है, वो ना बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा है, तो मुझे ना खुद जाके वहाँ पे बोलना पड़ता है कि ये दवाई चाहिए वो दवाई चाहिए, ऐसी सर, मेरे को आपसे हेल्प चाहिए सर, मेरे पेशेंट के हेयर फॉल में मैं फेलियर हूँ सर। हेयर फॉल में वो गंधक अमृत करके आएगा, जैसे मिलता है मैं आपको भेज दूंगा। हाँ सर प्लीज भेजिए ना सर। ग्रेइंग ऑफ हेयर्स एंड हेयर फॉल में बहुत अच्छा फायदा होता है। हेयर फॉल के बताइए, और सर ग्रेइंग ऑफ हेयर तो कम आते हैं, लेकिन फॉल हेयर फॉल के बहुत किसारे में फेलियर होता हूं। गंधक अमृत वो हमारे सर का फॉर्मूला है, आपको मालूम है, दिखाऊं क्या अभी? हाँ। सर के फॉर्मूला। और कुछ दिन पहले अभी मैं बनवाने के लिए गया था, इसलिए मैं बीमार पड़ गया, क्योंकि बहुत दूर दूर जाना पड़ता है ढूंढने के लिए कि मतलब कौन अच्छा बना के देगा। जी सर, एक मिनट रुके, आप लोग बात करते रहे, मैं ला रहा हूँ तब तक। जी सर। मनोज सर, हेयर फॉल के लिए आप उसके लिए भी जलौका यूज करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैडम क्या है ना, देखिए मैं पूरी अपनी 2 साल पहले तक, पूरे ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, 2 से 3 साल पहले तक ज्यादातर चूंकि एलोपैथ वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, काफी डायनेमिक रोल प्ले कर रहा था, तो लोग मेरे को एलोपैथ की दवाइयों के लिए फोर्स करते थे, मैं लिखता था, मैं फोर्स, लेकिन मैं पूरे 3 साल में 90 से 95% कन्वर्सन कर चुका हूँ अपने सारे पेशेंट आयुर्वेद में। और हमारे यहाँ ना कलकत्ता के बहुत माने ऐसा है, लोग आयुर्वेद लेना नहीं चाहते, लोगों ने बहुत ही निगेटिव प्रचार कर रखा है। तो क्या है, जो भी पंचकर्म के अनुशस्त्र की जो थेरेपीज है, शस्त्र कर्म की जो थेरेपीज है ना, वो मेरे को बहुत कैंडिडेट सेलेक्ट कर करके, जिनका मेरे पर भरोसा होता है ना, तो वहां पर मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे 3 दिन पहले मैंने एक पेशेंट को दिया था, उनका फ्रोजन शोल्डर था, डायबिटीज, ओबेसिटी, सीवियर लो बैक पेन, ये केस लेकर के पेशेंट मेरे को, मैं होम विजिट में गया था, हमारे भैया के फ्रेंड थे। उस पेशेंट को जब मैं देख दाख के दवा दे करके चलने लगा, तो फिर क्या मूड में, मैं बोला लाइए आपका अग्निकर्म कर ही देता हूँ, फ्रोजन शोल्डर तो आराम मिल जाएगा, और उसका विश्वास करो मेरे को कोई भी सामान नहीं मिला। तो मैंने घर का की होता है ना, मेटल का की, उस मेटल के की को और कैंडल से उसका उनका अग्निकर्म करके थे, तो पॉइंट सारे लोकेट करके, उसके वीडियो मेरे पास, मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। विद इन लेस देन 5 मिनट्स पेशेंट बोलता है दर्द क्या चीज होता है, मेरे को तो पता ही नहीं है, इस तरह का वर्सन अग्निकर्म से रिजल्ट आता है, और वो भी लेस देन 5 मिनट। सावधानी ये रखनी होती है कि ज्यादा डीप बर्न ना हो और फफोले ना पड़ जाए, क्योंकि ज्यादा अग्निकर्म डायरेक्ट अपने जो करते हैं, कोई भी मेटल या सलाका यूज करते हैं ना,
तो उसमें वहां से ब्लिस्टर और बर्न होने के चांसेस रहते हैं। हाँ सर, उसके बाद एलोवेरा जूस या एलोवेरा का डायरेक्टली एप्लीकेशन या हरिद्रा का एप्लीकेशन डायरेक्टली। मैडम अपने उस लेवल तक जाने क्यों देंगे पेशेंट को, अपने जो करते हैं ना इंटरमीडिएट टच कराइए ना कि कंटिन्यूअस टच कराइए। हाँ। ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं हर एक पेशेंट के साथ कर रहा हूँ अग्निकर्म में। सर वीडियो डालने का आपने बनाया है तो पर्टिकुलर लोकेशन का बहुत ज्यादा जरूरत रहता है उसमें। उसमें ना पेशेंट के जो पॉइंट ऑफ पेन के जो पॉइंट है ना उसको 3-4 बार में रीअसेस करना होता है ना, और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन करके मार्कर पेन दे करके फिर उसमें जो इंटर एक तरफ कैंडल का टच करते रहिए मेटल पे और दूसरी तरफ इंटरमीडिएट टच करते रहिए। इससे क्या होगा ना, बर्न नहीं होगा, पेशेंट को पूछते रहिए कि कितना गर्म आपको फील हो रहा है, या बैक ऑफ द हैंड के पीछे में एक बार उससे सेंसेशन टच करके पूछ लीजिए। देखिए पहले एक बार आप अपना टच कीजिए फिर पेशेंट को टच कराइए, तो एक आपको कंफर्मेशन मिले कि कितना हीट पेशेंट सहन कर सकता है, अब ब्लिस्टर नहीं होंगे, तब जाकर के वो अग्निकर्म कीजिए। और रिजल्ट मैम ना इमीडिएट आता है, वो 15 दिन से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, दर्द की दवाइयां खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे थे, और वो पेशेंट लेस देन 5 मिनट्स में अपना दर्द भूल गया। और उसको मैंने ओबेसिटी के लिए त्रिफला गुगुल और आरोग्यवर्धिनी उनको दिया है, और डायबिटीज के पेशेंट उसी तरह उसमें डायबिटीज के लिए भी कवरेज है, तो और चंद्रप्रभा उनकी चली रही है, तो पेशेंट इसी में रिकवर हो जाएगा। डॉक्टर मनोज जी आप कृपया ये पढ़ दीजिए ना, गंधकामृत ये हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा काम करता है, एक बार पढ़ दीजिए ना, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ सर आ रहा है सर, शुद्ध गंधक 250 ग्राम, दूध 50 ml, एला 20 ग्राम, तमाल 20 ग्राम, वक 20 ग्राम, नाक के सर 20 ग्राम, मैंने चतुर्जार तक हो गया सर, और साथ में तमाल आद्र गुड़ची और आद्र आद्रक स्वरस, माका स्वरस मैंने भृंगराज और त्रिफला क्वात, ये कॉम्बिनेशन है सर एक्चुअली। इतना अच्छा रिजल्ट आता है ना, ये दवाई कभी फेल नहीं हुआ बालों के उस पे। जी सर जी, जी सर, यूज करना है सर ये गोली आता है 2BD यूज करना है अभी, मैं इसके लिए ही कल गया था, अब मैं 5 किलो बनवा रहा हूँ, स्पेशल बनवा रहा हूँ सब लोग के लिए। तो सर मेरा 1 किलो तो आप भेज देना सर। क्या है ना ये अभी मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने भी यूज किया है, मैं अपने पेशेंट लाइक बनवा रहा हूँ, तो मुझे ये सारा चीज बोलना पड़ता है कि आद्र गुड़ूची भी है तो अच्छा मैं चूज करके बोलता हूँ कि यही लेना, मतलब मैं सब चीज खुद देख के बोलता हूँ कि ये बना के दीजिए ये बना के दीजिए। सर नमस्कार, इसमें तमाल किसके लिए उपयोग हुआ है? तमाल तो तेज पत्ता है, दीपन पाचन कार्य करता है, वो एक दीपन पाचन के लिए किया है यहाँ पर। ठीक सर, थैंक यू सर। ये त्वक और तमाल में क्या अंतर है? त्वक किसको बोल रहे हैं सर? त्वक तो दालचीनी को बोलते हैं ना, और तमाल सर? तमाल तेज पत्ता जो कड़ी में डालते हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, पुलाव में डालते हैं तेज पत्ता। चतुर्जातक हो गया सर टोटल। हाँ, एक ही पेड़ के होते हैं ना सर, उसके बाग को दालचीनी बोलते हैं और पत्तों को तेज पत्ता। सर ये जो योग है गंधकामृत, वो पोस्ट कोविड हेयर फॉल बहुत पेशेंट आते हैं, सबको देखे देखिए बहुत मजा आएगा, आपके सब पेशेंट को ठीक होगा। पहले थोड़ा लीजिए फिर देखिए, फिर आपको जब सेटिस्फेक्शन मिले तब कंटिन्यू करिए। सर इसमें ये जो लास्ट के द्रव है इनकी भावना देनी है ना, भावना देनी है, इसलिए तो मैं सब किया था सर। इसमें कितनी भावना देनी है, कुछ स्पेसिफिक नहीं किया हुआ है सर। मैं कल बताऊंगा, क्योंकि ना उन्होंने कितना भावना दिया है, क्योंकि जो बनाते हैं उनको ज्यादा जानकारी रहती है, मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा जब बन जाएगा। तो कुछ लोग 7 भावना गुजरात में मिल सकेगा सर? मैं गुजरात से हूँ सर। 2 या 3 दिन अभी बन रहा है वो, इसलिए मैं बीमार पड़ गया, मुझे कृपया क्षमा करिए, क्या है मुझे बहुत दूर दूर जाके सब ऐसे अच्छा क्वालिटी का दवाई मिले इसलिए मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, क्या है जितना अच्छा दवाई रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, उतने अच्छे पेशेंट ठीक होंगे तो हमारा नाम होगा, सक्सेस मिलेगा प्रैक्टिस में। तो अभी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सर ये ऊपर क्या है, गुलम कुठार क्या ये? उसमें PDF में कल बता देना, कोई बात नहीं, ये गुलम कुठार रस जो था, गुलम कुठार रस आता है भैषज रत्नावली का, गुलम रोगाधिकार में ये भी मिलता है, यहाँ बनता है नाग वंग अभ्रक भस्म में, कांतलाव ताम्र भस्म में, संप्रमाण में लेना है, और चंबीरी नींबू का रस की भावना देना है।
अनुपान यवक्षार सच्चिशार मद और आदर्श और रसेशार लेने से आमाजीर्ण ठीक होता है गुल महिल शुल पार्श्व शुल ठीक सर सर गुलमुखार सबके बराबर नहीं है जी ये इस तरह का भैषज रत्नावली में मैंने नहीं बनाया हाँ जी वो मैंने बनाया है यहाँ पे तो ये तामर भस्म उन चारों के प्रमाण के बराबर है अच्छा ठीक है सर मेरा क्वेश्चन तो रह गया हाँ आप कल करेंगे ना सर क्योंकि रात हो गए 9:30 हो गए सब लोगों को खाना पीना भी तो खाना होता है जी सर ठीक है तो थैंक यू सभी लोगों का बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक है सभी लोगों को प्रणाम नमस्ते सभी को शुभकामनाएं कल मिलेंगे गुड नाइट गुड नाइट